हे जय अपना चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आप परम पूज्य विशाल बावासी द्वितीय गुरु पावनमा परम परमा महाप्रभु जी ना सत्तरमी पेढ़ी में पादुक भाव थयो छो। आप श्री विठ्ठलनाथ जी ना सरोपनी सेवा में चिन्नई में करी रहा छो। आपनो स्वभाव खूब सरल अने आपने सौ श्रृंगार अने सजावट में विशेष रुचि छे। आप पुष्टिमय प्रणालिका में परंपरा आग्रह रहा छो। आप श्री आपना बाल कल्य में दरेक प्रवृत्ति में रहता आपनी अनोखी अने सुंदर प्रवचन शैली कारण आप विद्यालय में भगवद गीता अने अन्य ग्रंथों पाठन करावो छो। देश विदेश में मां प्रवास करी पुष्टि मार्ग प्रचार करो। आपे बैठक यात्राओ रजयात्राओ पण सुंदर आयोजन चेन्नई अने सौराष्ट्रना वैष्णव ने दिव्य लाभ आप्यो छे अने अमेरिकाना वैष्णव ने पण जे जेसी आपणे आप्यो छे लाभ। आप उदार स्वभाव वाला छो। आपना संकल्प में आवता दरेक वैष्णव साथे सुखद मधुर संबंध राखो छो। गोर्धननाथ जी चरणों में नमन निवेदन कि आप अपना पुष्टि मार्ग सर्व प्रचार प्रचार करता रहो और वैष्णव सृष्टि भाव पोषण करता रहो। आज वचरा कृतार्थ कर श्री वल्लभा दी सकी जे जे बधुज आपने लगे जे हूँ बोली बढ़ू। दंडवत प्रणाम जय जय श्री। खूब खूब धन्यवाद। आप श्री चेन्ज करायु कि बुधवार जगह तुम शुक्रवार करो ढोल कीर्तन सारू। Next time I'm learning. श्री कृष्णाय नमः। Zoom के Facebook के और YouTube के माध्यम से जुड़े सभी भगवदीय जनों का मैं विशाल भाव चेन्नई से पुष्टि मार्ग लक्षणानी के पांचवें सत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। जिनके निमित्त इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ वो आपके मेरे अपन सबके आत्मीय स्मिताबेन और उनका साथ देने वाले सभी भगवदीय वैष्णवों को मैं खूब खूब आशीर्वाद और खूब खूब बधाई देना चाहता हूँ कि आप सबके संयोग से एक सुंदर कार्यक्रम प्रारंभ भी हुआ है और वो कंटिन्यू भी हो रहा है। अब आप सब जानते ही, अब आप सबका अधिक समय नहीं लेते हुए आप लोग सब ये बात जानते हो कि ये ग्रंथ पुष्टि मार्ग लक्षणानी श्री हरिराय महाप्रभु जी द्वारा रचित है और पिछले चार सत्रों में अपन शुद्ध पुष्टि मार्ग के अनेक लक्षण अपन देख चुके हैं। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए श्री हरिराय जी इस ग्रंथ के 16वें श्लोक में आज्ञा करते हैं कि फले च साधने चैव सर्वत्र विपरीतता फलम भाव साधनम सह पुष्टि मार्ग से कथ्यते। पुष्टि मार्ग के अलावा जितने भी धर्म संप्रदाय या शास्त्र हैं उन सभी में साधन और फल अलग अलग हैं। सभी जगह पे अगर आप देखोगे तो ये साधन है और ये उसका फल है। जैसे दान पुण्य, अगर आप दान करो तो पुण्य कमाना उसका साधन है, पुण्य कमाना उसका फल है। दान साधन है और पुण्य कमाना उसका फल है। यज्ञ साधन है और स्वर्ग या मोक्ष की प्राप्ति उसका फल है। दवाई लेना साधन है और रोग से मुक्त होना, शरीर को स्वस्थ करना, ये उसका फल है। तो इस प्रकार से आप लौकिक अलौकिक जहां पे भी आप देखोगे सभी जगह पे साधन और फल अलग अलग हैं। ये साधन है और ये फल है, बनने जुदा। लेकिन पुष्टि मार्ग में ऐसा नहीं। पुष्टि मार्ग में साधन और फल एक ही है। पुष्टि मार्ग में ठाकुर जी के प्रति अपना भाव ही सर्वप्रथम साधन है और उस भाव की वृद्धि जो आपको अंत में मानसी तक पहुंचाता है और यही पुष्टि मार्ग के फल है। पुष्टि मार्ग में भाव ही साधन है और उस भाव की वृद्धि ही फल है। जैसे लेडीज लोग ये बहुत अच्छे से समझेंगे, रसोई में अन्न ही साधन है और अन्न ही फल है। तुम्हारे भात बनाऊ हो तो तुम्हारे सु चढ़ाव पड़े, इन साधन सु तो भात अच्छे।
અને એનો ફલ શું? એ ભાત જ છે. તો આપ ચાવલ ચડાવ તો ઉસકા ફલ ભી ચાવલ હે. આપ દાલ ચડાવ, દાલ બનાવવાનું સાધન શું છે? દાલ જ છે. તમારે દાલ જ ચડાવવી પડશે ને એનું ફલ પણ દાલ જ છે. એનું સ્વરૂપ નથી બદલાતો, ખાલી એ પેલા કાચું હતું ને હવે પાકી સીજી ગયું. બસ ખાલી આટલું અંતર છે, બાકી સાધન પણ દાલ છે અને ફલ પણ દાલ છે. તો એવી જ રીતે પુષ્ટિ માર્ગ મે ભી ઠાકુરજી કે પ્રતિ અપના ભાવ હિ સાધન હૈ ઓર ઉસ ભાવ કી વૃદ્ધિ હિ પુષ્ટિ માર્ગ કા ફલ હૈ. અભી ઇસી વિષય કી વિસ્તૃત ચર્ચા, ડિટેલ્ડ ચર્ચા શ્રી ગુસાઈજી ને ભાવૈ અંકુરિતમ નામ કે એક ગ્રંથ મે કરી. ઇસ ગ્રંથ કી વિશેષતા યે હૈ કી યે ગ્રંથ સિર્ફ એક હી શ્લોક કા હૈ. ઇસ ગ્રંથ મે ખાલી એક હી શ્લોક હૈ और एक इसी श्लोक में श्री गुसाईं जी अपन को समझाते हैं कि कैसे अपना भाव धीरे धीरे बढ़कर प्रेम, आसक्ति, व्यसन, व्यसन के बाद मानसी तक पहुंचता है. तो इस एक श्लोक के ग्रंथ में श्री गुसाईं जी लिखते हैं कि भावै रंकुरितम मई मृग दृशाम आकल्पमा संचितम प्रेमणा कंदलितम मनोरथमय शाखा क्षते संभृतम लौल्यै पल्लवितम मुदा कुसुमितम प्रत्याशया पुष्पितम लीलाभिफलितम भजे व्रजवनी श्रृंगार कल्पद्रुवम. श्री गुसाईं जी ने इस श्लोक में भाव का कंपैरिजन बीज के साथ किया. जैसे एक बीज की सात अवस्था होती है, बीज से लेके फल तक एक बीज की सात अवस्था होती है, वैसे ही भाव से लेकर व्यसन तक भाव की भी सात अवस्था होती है. तो सात अवस्था कौन सी? तो भाव, प्रेम, प्रणय, स्नेह, राग, अनुराग, व्यसनानी, ये भाव की सात अवस्था है. और बीज की सात अवस्था अंकुर, कंदल, शाखा, पल्लव, कलिका, प्रसून, फलानी, ये बीज की सात अवस्था. तो जैसे भाव की सात अवस्था है वैसे ही बीज की भी सात अवस्था है. तो भाव की सबसे पहली अवस्था है बीज, और इसी बीज भाव को श्री महाप्रभु जी भक्तिवर्धनी में बीज भावे धुड़े तुस्या इन शब्दों से कहते. अब सबसे पहला प्रश्न ये है कि धारो के आपके घर में किसी बालक का जन्म हुआ. अब आपको कैसे पता चलेगा कि इस बालक में पुष्टि मार्ग के बीज है कि नहीं है? अब क्योंकि ग्रुप में ज्यादा वैष्णव नहीं है, थोड़े से ही हैं, तो अपन थोड़ा सा अपन प्रश्नोत्तर ही रखेंगे. मैं बीच बीच में प्रश्न करूंगा और आप लोग उत्तर दोगे तो ज्यादा आनंद आएगा. तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि भाई फलाने जीव के अंदर पुष्टि मार्गीय बीज है, भाई फलाना जीवनी अंदर पुष्टि मार्गीय बीज छे, ये तमने खबर केवी रीते पड़से, तमे इन्हें चेक केवी रीते करसो, इनो मापदंड शू छे, भाई तमारे नाम कमावू छे, तमारे ब्रह्मसमन लेवड़ावू छे, तो लेवड़ावता पहला तमारी पण फरजियात छे, अमारी पण फरजियात छे, ए चेक करवानी કે આ જીવની અંદર પુષ્ટિ માર્ગીય બીજ છે કે નહીં, એનો માપદંડ શું. કારણ કે જો બીજ નહીં હોય અને તોય તમે પુષ્ટિ માર્ગનું પોષણ કરતા રહેશો ને તો એ બીજ સંસ્કારિત નહીં થાય, કારણ કે એની અંદર બીજ જ નથી. જમીનની અંદર જો તમે બીજ નહીં વાવો ને એના ઉપર ગમે તેટલું તમે પાણી રેડો, ગંગાનું પણ તમે પાણી રેડી દો ને તો એ બીજનો વિકાસ થવાનો નથી, કારણ કે જમીનની અંદર કશું છે જ નહીં. તો સૌથી પહેલા તો બ્રહ્મસમન લેવડાવતા પહેલા તમારે એ ચેક કરવું જરૂરી છે કે ફલાના જીવની અંદર પુષ્ટિ માર્ગે બીજ છે કે નથી. હવે તમે ચેક કેવી રીતે કરશો? કોઈને કઈ ખ્યાલ છે? કોઈની પાસે કઈ રસ્તો છે? કોઈ હોય તો અમને પણ કહો. શ્રી મહાપ્રભુજી સુબોધની જી મેં આજ્ઞા કરતે કે કૃપા પરિજ્ઞાનમ ચ માર્ગ રૂચ્યા નિશ્ચિયતે. ठाकुर जी की कृपा के बिना पुष्टि मार्ग में रुचि उत्पन्न होना संभव नहीं है.
जिस जीव के ऊपर ठाकुर जी की कृपा होगी उसी को पुष्टि मार्ग में रुचि होगी, उसी को पुष्टि मार्ग में इंटरेस्ट होगा। जिसको जिसके ऊपर ठाकुर जी की कृपा नहीं होगी उसको पुष्टि मार्ग में रुचि उत्पन्न नहीं होगी। अब घर में तो एकदम छोटा सा बच्चा है, उसको देखते तो आपको पता नहीं चलेगा कि उसके अंदर पुष्टि मार्ग की रुचि है कि नहीं। अब जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे आपको अमुक लक्षण उसके अंदर देखने चाहिए। अमुक लक्षण आपको उसके अंदर दिखे तब आप नक्की कर सकते हो कि इसके अंदर बीज भाव है कि नहीं। वो लक्षण कौन कौन से, तो सबसे पहले उसको श्री महाप्रभु जी के लिए कितना आदर है, श्री महाप्रभु जी के लिए आदर है कि नहीं, ये सबसे पहले, और है तो कितना आदर है। दूसरा लक्षण, वल्लभ कुल के प्रति उसके मन में आदर है कि नहीं है, क्योंकि अगर महाप्रभु जी के प्रति आदर नहीं होगा, वल्लभ कुल के प्रति आदर नहीं होगा, तो उसका ब्रह्म संबंध भी फलित नहीं होगा। जिनसे अपन को दीक्षा लेनी है, जिनकी अपन को दीक्षा लेनी है, उनके प्रति आदर भाव मान सम्मान होना जरूरी है। अगर जो नहीं होगा तो उनके द्वारा ली गई दीक्षा भी आपको फलेगी नहीं। तीसरा लक्षण, पुष्टि मार्ग के आचार विचार उसको पसंद है कि नहीं है, ये चेक करना जरूरी है। और जो बार बार शिकायत करता रहे भाई तुम्हारा पुष्टि मार्ग में तो छे ना 90 मिनटे हाथ खासा करो ने हाथ खासा करो ना, अहिया नहीं हाथ लगाड़ो ना त्या नहीं हाथ लगाओ ना, आ हाथ खासा करो ना पेलो हाथ खासा करो, जो अगर ये बात से कोई कंटालता होगा ना तो समझ लो कि उसके अंदर कहीं ना कहीं पुष्टि मार्ग के बीज का अभाव है या बीज के पोषण का अभाव है। जो बार बार हाथ खासा करने से अगर कंटालता हो, अप्रस्म स्नान करने से कंटालता हो, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं पुष्टि मार्ग बीज का अभाव है। तो पुष्टि मार्ग के आचार विचार उसको पसंद है कि नहीं, ये चेक करो। पुष्टि मार्ग के सिद्धांतों में उसकी रुचि है कि नहीं, जो षोडश ग्रंथ के द्वारा, श्रीमद् भागवत के द्वारा, सुबोधनी जी के द्वारा, श्री महाप्रभु जी अपन को जो समझाना चाहते हैं, ये पुष्टि मार्ग का सिद्धांत है। उस सिद्धांतों में फलाने जीव की रुचि होनी जरूरी है। अगर जो नहीं होगी तो पुष्टि मार्ग उसको नहीं फलेगा। फिर ठाकुर जी की कथा वार्ता, कीर्तन, सेवा, इन सब में उसकी रुचि है कि नहीं। उसके बाद पुष्टि मार्ग वेशभूषा धारण करने में उसकी रुचि है कि नहीं। अच्छा, मारे अहिया एक वैष्णव ने मारे प्रश्न करवानो छे, आपने ड्रेस पहरी ने सेवा करिए तो चाले के न चाले, के साड़ी पहरवी जरूरी छे, चनिया चोली पहरवी जरूरी छे, के ड्रेस मा पण आपणे सेवा करी शकीए। अने जेंट्स माटे मारे पूछवानुं छे के भाई आपणे पेंट शर्ट के कुर्ता पायजामा सेवा करिए तो चाले के न चाले, सेवा करवी जरूरी छे के अहींया कपड़ा महत्वना छे। पुष्टि मार्गीय वेश धारण करीने सेवा करवी जरूरी छे के जरूरी नथी, कि आपणे गम्मे ते वेशमां आपणे सेवा करी शकीए। आजकल ना मॉडर्न लोको शू कहे छे, कोई छे ग्रुप मां? जय जय दंडवत। पुष्टि मार्गीय वेश धारण करीने सेवा करिए तो तमने भाव आवे छे सेवा करवा माटे, माटे पहेरवो जोईए। हाँ, तो एटले घर में हवे अमुक वार, एक वार छे ना मने एक वैष्णव में प्रश्न करे, जे अमे जो अगर ड्रेस में सेवा करिए तो केम एमां वांधो शुं छे, कारण के अमे सेवा करिए छे ए महत्वनुं छे। हवे अमे गमे ते कपड़ा पहेरीने करिए एमां वांधो शुं छे, अने जे लोको साड़ी पहेरीने करता होय छे, जे लोको चनिया चोली में सेवा करे छे, ए लोकोनो केटलो भाव छे, आप मने ईमानदारी थी जवाब आपो। मैं बेन ने कहू कि बेन तमारी वात साची, तमारी वात साची छे, पण तमे मारा एक प्रश्न नो उत्तर आपो। जो अहीं धोती बंडी नी जग्या जो हूँ जीन्स टी शर्ट पहेरी ने जो हूँ अगर जो प्रवचन करू तो तमे ए भाव थी मारा चंस्पर्श करशो? कारण भाई हूँ कया कपड़ा मा प्रवचन करू छु ते महत्वनुं नथी, प्रवचन करू छु ए महत्वनुं छे, महाप्रभुजी नी वाणी महत्वनी छे। हवे हूँ गम्मे ते कपड़ा पहेरी ने करू, जीन्स टी शर्ट मा करू, हूँ कुर्ता पायजामा मा करू, मारी इच्छा थाय तो हूँ मारा नाइट ड्रेस मा करू, तमने शुं वांधो? तो अहीं मूल कहेवानी वात ए छे के पुष्टि मार्ग वेश धारण करीने ठाकुरजीनी सेवा करवी जरूरी छे। जेम
આપણે ઈલાબેને કહ્યું કે ભાઈ જ્યાં સુધી તમે એ વેશ ધારણ નહીં કરો ત્યાં સુધી તમારી અંદર એક ગોપી ભાવ કે એક ગોપનો ભાવ ઉત્પન્ન નથી થતો કે જે ભાવથી ઠાકોરજીની આપણે સેવા કરી શકીએ. જો અગર તમે 65માં કોઈ જે જેના સંસ્પર્શ કરવામાં તમને મહાપ્રભુજીનો ભાવ ઉત્પન્ન નથી થતો, એવી જ રીતે ઠાકોરજીની સેવામાં પણ વેશભૂષા જરૂરી છે. તો તમારે ઘરમાં ચેક કરવો કે ભાઈ ફલાના જીવને પુષ્ટિ માર્ગે વેશ ધારણ કરવામાં રુચિ છે કે નહીં, ને પછી તમારે ચેક કરો એની ભાષા કેવી છે, પુષ્ટિ માર્ગીય શબ્દોનો પ્રયોગ કરવો એને ગમે છે કે નથી ગમતા, એ લૌકિક શબ્દોનો પ્રયોગ વધારે કરે છે કે પુષ્ટિ માર્ગીય શબ્દોનો વધારે પ્રયોગ કરે છે. આ સંસ્કારો તમારે ઘરમાં આપવાના. જ્યાં સુધી તમે આ રીતે ઘરમાં સંસ્કાર નહીં આપો ત્યાં સુધી તમે આ ચેક પણ નથી કરી શકતા. તો ફલાના જીવની અંદર તમારા ઘરમાં જે બાળક છે કે અથવા તો જે વ્યક્તિ છે જેને તમારે બ્રહ્મસંબંધ લેવડાવવાની ઈચ્છા છે, એ વ્યક્તિની અંદર પુષ્ટિ માર્ગે બીજ છે કે નહીં એ ચેક કરવાની તમારી જવાબદારી છે. ને આ લક્ષણો તમારે એ જીવની અંદર જોવા જરૂરી છે. એટલે તમે સંસ્કાર આપો તો પણ આના આધારે તમે સંસ્કાર આપો કે જેથી તમે ચેક કરી શકો કે ભાઈ આ જીવ પુષ્ટિ માર્ગે છે કે નહીં. કારણ કે આ બધા લક્ષણોથી તમને ખબર પડે છે કે આને પુષ્ટિ માર્ગમાં કેટલી રુચિ છે. કારણ કે જો રુચિ નહીં હોય, પુષ્ટિ માર્ગે બીજ નહીં હોય, તો એને સંસ્કાર આપવાનો પણ કોઈ અર્થ નથી, એના ભાવનું પોષણ કરવાનો પણ કોઈ અર્થ નથી, કારણ કે એને ભાવ જ નથી. પણ જયારે તમને ખાતરી થઈ જાય કે ના ભાઈ આ જીવ ઠાકોરજીનો છે, આ જીવની અંદર પુષ્ટિ માર્ગે બીજ છે, તો હવે એ બીજની નેક્સ્ટ અવસ્થા સ્ટેપ ટુ આવે છે કે હવે આ જીવનો આ બીજનો પોષણ કરવો જરૂરી છે. જેમ તમે જમીનમાં એક બીજ વાવો તો એનો જે નેક્સ્ટ સ્ટેપ છે એ પોષણ કરવું છે, એવી જ રીતે બીજ ભાવનો પણ પોષણ કરવો જરૂરી છે. એટલે બીજની સૌથી પહેલી જે અવસ્થા છે એ છે અંકુર. આપ જમીન કે અંદર બીજ ગાડો તો ઉસ બીજ કી સબસે પહેલી અવસ્થા હૈ અંકુર. ઓર કિસી ભી બીજ કો અંકુરિત કરને કે લિયે ગરમી તાપ જરૂરી હૈ. અપન બીજ કો જમીન કે અંદર ગાડતે તભી વો જી વો બીજ કે અંદર અંકુર ફૂટતે હૈ, ક્યોંકિ જમીન કે અંદર ઉસકો વો તાપ મિલતા હૈ જો જમીન કે બહાર નહીં મિલતા. ઇસી પ્રકાર સે પુષ્ટિ માર્ગીય બીજ કો પુષ્ટિ માર્ગીય ભાવ કો અંકુરિત કરને કે લિયે વિરહ તાપ જરૂરી હૈ. જબ તક અપને અંદર સેવા કે પ્રત્યે ઠાકુર જી કે પ્રત્યે વિરહ તાપ ઉત્પન્ન નહીં હોગા, તબ તક અપના બીજ ભાવ કા પોષણ નહીં હોગા. હવે પ્રશ્ન એ છે કે જીવ કો કિસ પ્રકાર કા તાપ હોના ચાહિયે. હવે મારે બધા વિષ્ણુને ફરી પાછે એક પ્રશ્ન કરવા. આજના સમયમાં તમારા લગભગ તમારા બધાના ઘરમાં ઠાકોરજી બિરાજતા હશે, બરાબર? હવે આજના સમયમાં વૈષ્ણવ મને એક વસ્તુનો જવાબ આપો કે ઠાકોરજી કલયુગમાં વેણું વગાડે છે કે નથી વગાડતા, કે ઠાકોરજી દ્વાપર પછી બંધ કરી દીધું? વગાડે છે, વગાડે છે, બરાબર. હવે તમને કોઈ દિવસ એ વેણુંનો નાદ સંભળાયો, તમને શ્રવણ થયો? નહીં, નહીં. હવે તમને આ વસ્તુનો તાપ છે કે હવે ઠાકોરજી તો પેલા વેણું વગાડતા હતા અને એક એક વેણું વગાડીને ઠાકોરજી નામ લઈ લઈને ગોપીઓને ત્યાં રાસમાં બોલાવ્યા, આજે પણ ઠાકોરજી વેણું તો વગાડે છે પણ મને કેમ નથી સંભળાતો? તમને આ વાતનો તાપ છે? આ એક જાતનો તાપ, આ એક જાતનો તાપ હોવું જરૂરી છે. આ એક તાપ કે ભાઈ મને કેમ વેણુંનો નાશ શ્રવણ નથી થતો, ઠાકોરજી ક્યારે મારા ઉપર એવી કૃપા કરશે કે મને ઠાકોરજીનો વેણુંનો નાદ મને શ્રવણ થશે? આ એક જાતનો તાપ. બીજો, હું તો ગ્રુપમાં બધાના લગભગ ઉંમર જોઈને હું અંદાજ લગાવું છું કે લગભગ બધા વૈષ્ણવના ઘરે 15-20-25 વર્ષથી ઠાકોરજી બિરાજતા હશે. 5-1 વર્ષ તો રાખીએ આપણે, એવરેજ 5 વર્ષ રાખી, લગભગ બધા વૈષ્ણવના ઘરે 4-5 વર્ષથી ઠાકોરજી બિરાજે, બરાબર? હવે મને એક વસ્તુનો જવાબ આપો કે ઠાકોરજી આ 3-4-5 વર્ષમાં એક શબ્દ બોલ્યા? 84-252 વાર્તા વાંચી જાઓ તમે, એમાં ઠાકોરજી
एक एक सेवा आज्ञा करीने लेता कि तू मारा माटे आ कर, तू आ नहीं कर, मने आ शाक मूक, आ रसोई कर, मारा माटे आ वस्त्र काढ, आवा श्रृंगार मने धर, एक एक सेवा आज्ञा करीने मांगी मांगी ने लेता था। हवे ठाकुर जी अपने साथे एक शब्द बोला आटला वर्षों में नहीं। हवे आनो आपने ताप छे, केटलो ताप छे आपने, કેટલો તાપ છે આપણને આજના સમયમાં છે ને વૈષ્ણવો ને ખાસ કરીને આજના જે પુષ્ટિજીવ છે ને એમને સ્મશાન વૈરાગ્ય છે। સ્મશાન વૈરાગ્ય એટલે એક એવી અવસ્થા જ્યાં સુધી તમે સ્મશાનમાં રહો ને ત્યાં સુધી તમારી અંદર વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થશે કે અરે આ જીવનમાં કશું જ નથી, તમે ગમે તેટલી ભાગા ભાગી કરો, જીવનમાં દોડાદોડ કરો, પૈસા માટે કરો, સુખ માટે કરો, ગમે તેટલું કરો, પણ બધું અહીંયા છૂટી જાય છે। તો જ્યાં સુધી તમે સ્મશાનમાં છો ને ત્યાં સુધી તમારી અંદર આ એક જાતનો વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થાય છે। જેમ તમે સ્મશાનથી બહાર નીકળ્યા તેમ તમે પાછા લૌકિકમાં વહી જવાના। તો કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે આપણને તાપ તો છે પણ એ તાપ ટકે છે? કેટલો ટકે છે? આપણને 2-5 મિનિટ નો તાપ થાય છે, અરે ઠાકોરજી કેમ આપણી સાથે બોલતા નથી, ઠાકોરજી કેમ વેણુનો નાથ, ઠાકોરજીનો આપણને શ્રવણ ન થતો। તમને કદાચ કોઈક વાર આ વસ્તુ મગજમાં આવી જાય ને તો 2-5 મિનિટ માટે તમને વિચાર આવે, પણ એ તાપ ટકે છે? હવે હજી એક પ્રશ્ન, થોડો અનકમ્ફર્ટેબલ રહેશે પણ જવાબ આપજો। ઘરનો કોઈ વ્યક્તિ મરી જાય ને આપણા ઠાકોરજી ખોવાઈ જાય, બોલો બંનેમાં સેમ આપણને દુઃખ વધારે થશે? દુઃખ તો બંનેમાં છે, પણ કયો દુઃખ વધારે થશે આપણને, સેમાં દુઃખ વધારે થશે? ઘરની વ્યક્તિમાં થાય। કેન યુ રિપીટ ઈટ? ઘરનો કોઈ વ્યક્તિ હરિશરણ થઈ જાય, હવે ઉંમરથી મોટો હોય નાનો હોય, હરિશરણ થઈ જાય ને આપણા ઠાકોરજી ખોવાઈ જાય, આપકે ઠાકુરજી ખો જાય યા ઘર કા કોઈ વ્યક્તિ હરિશરણ હો જાય, કે દોનો સિચ્યુએશન્સ મે આપકો તાપ, આપકો દુખ કિસમે ઝ્યાદા હોગા? ઠાકુરજી ગુમ જાયેગે તો? ઈમાનદારી સે ભાઈ હૃદયમાં માં પ્રભુજી ને ધારણ કરીને મને જવાબ આપજો। યસ, ઠાકુરજી ખો હશે તો? ઠાકુરજી ખો, મારા ધ્યાનમાં એક એક એવો એક એવી સિચ્યુએશન બની ગઈ હતી પહેલા, ઘણા સમય પહેલાની વાત છે। યહાં પે ઇન્ડિયા મેં વૈષ્ણવ ઝાંપી થી કરકે બેઠક યાત્રા મેં ગયે, ઓર ટ્રેન મેં આપ ઇન્ડિયા મેં દેખો ના તો ઉપર કે બર્થ કે પાસ એક રેક હૈ જહાં પે આપ કુછ સામાન રખ સકતે। તો ઉનને ઝાંપી જી કો ઉપર પધરાયા ઓર જબ ઉતરે સ્ટેશન મેં તો ઠાકુર જી કો ભૂલ કે ઉતર ગયા। વહાં તક તો ઠીક, ठाकुर जी को ट्रेन में भूल गए। अब बाद में उस वैष्णव ने ठाकुर जी को ढूंढने का कोई प्रयास भी नहीं किया, प्रभु इच्छा मान के उन्हें छोड़ दिया। तीसरी बात, मजे की बात यह है, वो झांपी जी मिली किसी एक वैष्णव को और वो वैष्णव ने फिर ठाकुर जी की सेवा कंटिन्यू करी। और संजोग की बात यह है कि बहुत वर्षों के बाद वो दोनों वैष्णव एक बार मिले और तब उस वैष्णव ने इस वैष्णव को पहचान के बाद में फिर फटकारा कि तुमको थोड़ा सा भी तुमको मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे ठाकुर जी खो गए और इतने साल से खो गए और तुमने ढूंढने का भी प्रयास नहीं किया कि कहाँ है मेरे ठाकुर जी? घर का कोई व्यक्ति जब हरिशरण हो जाता है तो अमुक लोगों को इतना असर करता है, इतना ज्यादा दुख होता है कि लोगों को, आप लोगों को तो खैर ज्यादा अनुभव होगा, अमेरिका में आप लोग ऐसे केसेस बहुत देखते होंगे कि लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और उनको काउंसलिंग की जरूरत है। मैंने आज तक एक वैष्णव ऐसा नहीं देखा कि भाई जिसका ठाकुर जी खो गए हो और कोई हमारे पास काउंसलिंग के लिए आता हो। सही बात है। तो मूल या कहने का तात्पर्य यह है कि
कि अपन को आज जिस प्रकार का ताप अपने अंदर होना चाहिए उस प्रकार का ताप अपने अंदर नहीं है। इसलिए आज वैष्णव बहुत बार हमसे प्रश्न करते कि जैसे हमने सेवा करता 10-15-20-25 वर्ष थी गया, पण अजी ठाकुर जी नो जे अनुभव 84-252 ने जे रीते थतो ते रीते हमने केम न थतो, एवो अनुभव केम न थतो, क्योंकि आज अपने अंदर वो ताप नहीं है। क्योंकि ताप ही आपके बीज भाव का पोषण करेगा। जब तक अपने अंदर ताप उत्पन्न नहीं होगा तब तक अपने अंदर का भाव दृढ़ नहीं होगा। आज ठाकुर जी इतने साल से अपने आप विराज रहे, आज ठाकुर जी अपन से एक शब्द नहीं बोलते। अगर जो इतने साल आपके हस्बैंड या आपका बच्चा आपसे बात नहीं करे, आप कितने दिन एडजस्ट करोगे? 2 दिन, 1 दिन। तो मूल बात यह है कि आज भी अपने मन में कहीं ना कहीं यही भाव है कि आ मारा घर में बिराजता ठाकुर जी ए साक्षात कृष्ण ते कृष्णनो रूप छे। तमे अजी तमारा ठाकुर जी ने मूर्ति रूप में के फोटो ना रूप में जो छो, तमे अजी साक्षात कृष्ण मारा घरे बिराजे छे, ए भाव तमारी अंदर अजी दृढ़ थयो नथी। कारण के फोटो ने जोईने कोई दिवस दुख नहीं थाय, आ केम मारी साथे वातो नथी करतो। व्यक्ति ने जोईने दुख थाय छे के आ केम मारी साथे वात नथी करतो। फोटो को देख के कभी अपने को दुख नहीं होगा, मूर्ति को देख के कभी अपने को दुख नहीं होगा कि भाई ये मेरे साथ बात क्यों नहीं करते। व्यक्ति को देख के हमेशा दुख होगा कि भाई ये मेरे साथ बात क्यों नहीं करते। तो कहीं ना कहीं अपन अपने मन में ठाकुर जी आज भी मेरे यहाँ चित्र के रूप में विराज रहे हैं, मूर्ति रूप में विराज रहे हैं, यही भाव अपने मन में, साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम मेरे घर में विराज रहे हैं, ये भाव अभी तक अपने अंदर दृढ़ नहीं हुआ है। जिस दिन ये भाव अपने अंदर दृढ़ होगा उस दिन अपन को ये सब प्रकार के ताप होंगे जो अभी अपन डिस्कस कर चुके। तो बीज को सबसे पहली बीज की अवस्था है कि उसके अंदर से अंकुर फूटना, और अंकुर तभी फूटेगा उसके अंदर से, उस बीज का तभी पोषण होगा जब आपके अंदर इस प्रकार का विरह ताप होगा। तो जब तक अपने अंदर अपने बीज भाव को अपन ताप नहीं देंगे तब तक अपना भाव दृढ़ नहीं होगा। धारो के ठाकुर जी की कृपा हो गई, अपने अंदर विरह ताप उत्पन्न हो गया, तो उसके बाद बीज की दूसरी अवस्था श्री गुसाई जी यहाँ लिखते हैं कि प्रेमणा कंदलितम, क्योंकि इस प्रकार का विरह ताप ही बीज को फोड़ता है और फिर उसके अंदर से अंकुर निकलते हैं। जैसे आप जमीन में बीज को गाड़ो तो जमीन के अंदर की जो गर्माहट है, जो ताप है, उससे वो बीज फूटेगा और उसके अंदर से अंकुर निकलता है। ठीक वैसे ही ठाकुर जी के लिए जो विरह ताप है वो अपने अंदर प्रेम उत्पन्न करेगा। जब तक आपको ठाकुर जी के लिए विरह ताप नहीं होगा तब तक अपने अंदर ठाकुर जी के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। भाई मारे बद्दा वैष्णव ने प्रश्न पूछवानो छे, तमने ठाकुर जी गमे छे? तमें छाती ठोकी ने कही सको छो के भाई हूँ ठाकुर जी ने बहु प्रेम करू छो? हाँ, बहुत गमे छे ठाकुर जी, हमने बहुत खूब ज गमे छे। चलो मने समझाओ के प्रेम एटले शू? आसक्ति ना, प्रेम अलग छे आसक्ति अलग छे। प्रेम एटले प्रभु विना आपने एक घड़ी पण न गमे। बोलो बाकी कोई ने कई केवू छे प्रेम ना विषय? बता अनुभवी छो? ठाकुर जी ना सुख नी भावना करवी। श्री गुसाई जी इमना लेख में एक जगह प्रेम नी व्याख्या करे छे, आवेर भाव दिनेन येन गणितो हेतु स्तनीयानपि। जहां पे प्रेम प्रकट होने में, प्रेम उत्पन्न होने में छोटे से छोटा कारण भी नहीं हो और फिर भी प्रेम उत्पन्न होता हो वो प्रेम है। अकारण स्नेह। आज अगर मैं बोल सकूं तो भाई अपन को ठाकुर जी कोई ना कोई कारण से ही पसंद है। आज अपन को बिना किसी कारण के अपन को ठाकुर जी पसंद नहीं है। भाई आज आपके मन में कुछ इच्छाएं होंगी,
और आपके मन में भाव होगा कि भाई ठाकुर जी आप बड़ी इच्छाओं पूरी करें तो सारी, और जो आपकी इच्छाओं से विपरीत पे विपरीत कंटिन्यूअसली विपरीत जो अगर ठाकुर जी करते जाए फिर आपको ठाकुर जी पसंद आएंगे। इच्छा न हो तो पसंद आएंगे ने, कोई इच्छा ज नहीं ठाकुर जी पास मांगवानी, कोई इच्छा ज नहीं ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ठाकुर जी के पास कुछ मांगोगे पर मन में, अच्छा चलो 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 एक बीजे, आप ब्रह्म संबंध लेने से पहले, ब्रह्म संबंध लेने से पहले आप सब मिलियनेयर थे और ब्रह्म संबंध लेने के बाद धीरे 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 भाई अपने बिजनेस में लॉस हुआ, कोई जॉब की दिक्कत आई, अनेक प्रकार की दिक्कत, और धीरे 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 अपना दिवाला फूक गया। बोला अब आपको ठाकुर जी पसंद आएंगे या कहेंगे, इसमें कर्म का हमारा दोष होता है, ठाकुर जी क्या करे इसमें, ठाकुर जी तो अच्छा ही करता है सभी का, कभी किसी का बुरा नहीं करता, तो ठाकुर जी से प्रेम क्यों कम करें हम। गुजराती में कविता है, बाप पासे बंगलो हतो गाड़ी हती वाड़ी हती एटले यारो मने पसंद ए लाड़ी हती। तो अब उसको वो लड़की कब तक पसंद आएगी, जब तक उसके पिता के पास बंगला है वाड़ी है गाड़ी है। तो जिस दिन ठाकुर जी नहीं करे ये तीनों चीज लुट जाए, उसका दिवालिया निकल जाए, तो उसको फिर वो लाड़ी पसंद नहीं आई। तो ऐसे ही अगर आप किसी कारण से अगर जो आप ठाकुर जी से स्नेह करते हो, भले बोलने के लिए आप बोलो कि भाई मने ठाकुर जी बहु गमे छे, पर अगर उसके पीछे कोई कारण हो तो उसको श्री गुसाई जी मना करते हैं कि ये प्रेम नहीं है। प्रेम वही है कि जहां पे प्रेम उत्पन्न होने में छोटे से छोटा कारण भी नहीं हो और उसके बावजूद अपन को ठाकुर जी पसंद हो, वो प्रेम। वाला हमने तो अकारण प्रभु जी प्रीति छे, कोई कारण नहीं प्रभु साथे प्रीति करवाली। मारा जीवन में तो घणी एवी घटनाओ घटी गई छे पण तोय मने प्रभु थी प्रीति छे, प्रभु ने छोड़वा तैयार नहीं। प्रभु सर्व सामर्थ्यवान छे मारो। नारद जी, नारद भक्ति सूत्र में प्रेम की व्याख्या करते, प्रेम के अमुक लक्षण बताते, गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम अविच्छिन्नम सूक्ष्मतरम अनुभव रूपम प्रेम स्वरूपम। ये प्रेम का लक्षण। तो सबसे पहला लक्षण नारद जी अपन को बताते हैं कि गुण रहितम, प्रेम में किसी भी प्रकार का गुण, गुण यानी यहाँ पे सात्विक राजस्तामस, ये जो तीन गुण है इन तीनों गुणों से रहित जो सर्वथा निर्गुण है वो प्रेम है। अपेक्षा रहित प्रेम छे प्रभु थी हमने जाजे, कोई अपेक्षा नहीं प्रभु थी, बस प्रभु ने सुख थवू जोइए हमारी सेवा थी। जो आपके मन में ये भाव उत्पन्न हो कि भाई ठाकुर जी ने सेवा करवा थी मने वैकुंठ नो वास मळे, तो आ तमारा प्रेम मां सत्व गुण नो मिश्रण छे। प्रेम तो छे इमा ना नथी, पण अगर आपके मन में ऐसी कोई इच्छा हो कि भाई ठाकुर जी नी सेवा करवाथी मने मोक्ष मले, मने स्वर्ग मले, मने वैकुंठ मा धाम मले, मने गोलोक धाम मा मने स्थान मले, तो आ तमारा प्रेम मा सत्व गुण नो मिश्रण कहेवाय। आ शुद्ध प्रेम नथी, आ मिश्रित प्रेम छे। इंद्रियोनी सुखाकारी माटे जो तमने ठाकुर जी गमता होय के भाई हूँ आपणे ठाकुर जी नी सेवा करिए तो आपणुं बधुं सारुं थाय, घरनो वातावरण सारुं रहे, आपणुं लौकिक जीवन पण आपणुं सारुं थाय ने बधुं व्यवस्थित रीते बधुं चालतुं रहे, तो आ भावथी जो तमे ठाकुर जी नी सेवा करो तो आ तमारा प्रेममां राजस गुणनो मिश्रण छे। और अगर किसी का अहित करने के लिए, किसी को तकलीफ पहुंचाने के लिए अगर आप जो ठाकुर जी की भक्ति करो, वे बाजू वाला ने दुकान बहुत चाली रही है ने मारी दुकान अत्यारे चालती नहीं, अने तमे कोई
કોઈ મંત્ર જાપ કરો, કોઈ અનુષ્ઠાન કરો, કોઈ ભક્તિનો કોઈ ઉપાય કરો, તો આ પ્રેમ તો છે, અને પણ પ્રેમ જ કહેવાય છે, આ પ્રેમ છે, પણ આ તમારા, આ તમારો પ્રેમ છે ને તામસી છે, આ તમારા પ્રેમમાં ગુણોનું મિશ્રણ. નારદજી કહે છે કે પ્રેમ, શુદ્ધ પ્રેમ તો સર્વથા નિર્ગુણ હોવું જોઈએ, સાત્વિક રાજસ તામસ જેવા કોઈ પણ ગુણોનું મિશ્રણ જેમાં નહીં હોય તે શુદ્ધ પ્રેમનો લક્ષણ છે, ગુણરહિતમ. પછી બીજો લક્ષણ છે કામના રહિતમ, કિસી ભી પ્રકાર કી કામના બિના કા પ્રેમ હોના ચાહિયે. ના અપન કો કોઈ પૈસે કી કામના હોની ચાહિયે, ના તબિયત કી, ના કુટુંબ કી, ના લોક કી, ના પરલોક કી, ના મોક્ષ કી, કિસી ભી પ્રકાર કી કામના રખે બિના જબ આપ ઠાકોરજી કી સેવા કરો, ઠાકોરજી કી ભક્તિ કરો, વો પ્રેમ કા દૂસરા લક્ષણ હૈ, કામના રહિતમ. તીસરા પ્રતિક્ષણ વર્ધમાનમ, હર એક ક્ષણ મે એક સેકન્ડ સે દૂસરે સેકન્ડ મે પ્રેમ બઢા હુઆ હી હોના ચાહિયે. પ્રેમ મે સ્થિરતા વો પ્રેમ કા લક્ષણ નહીં હૈ. અગર જો તમે કહો કે જે જે 25 વર્ષ પહેલા મને ઠાકોરજી જેટલા ગમતા હતા ને, મને ઠાકોરજી આજે પણ જે જે એટલા જ ગમે છે, તો આ પ્રેમનો લક્ષણ નથી. એક સેકન્ડ થી બીજા સેકન્ડમાં તમારા પ્રેમમાં કોઈ બઢોતરી હોવી જોઈએ, ઉણપ કે સ્થિરતા એ પ્રેમનો લક્ષણ નથી. શ્રી મહાપ્રભુજી ભ્રમરગીત કી સુબોધનીજી મેં ગોપીઓ કે પ્રેમ કી અવસ્થા વહાં પે લિખતે હૈ. શ્રી મહાપ્રભુજી લિખતે કે ઉત્તરો ઉત્તરમ વૃદ્ધિમ આરભે. ગોકુલ મે નંદોત્સવ કે સમય જબ ઠાકુરજી પ્રગટે, ઉસ સમય જો ગોપીઓ કે મન મે ઠાકુરજી કે લિયે પ્રેમ થા, વો પ્રેમ રાસ પંચાધ્યાય તક ઇતના બઢ ચુકા થા. રાસ પંચાધ્યાય તક જબ આપ પહોંચો, ઉસ અધ્યાય 29વે 30વે અધ્યાય તક જબ આપ પહોંચો, તો ઉસ સમય તક વો પ્રેમ ઇસ લેવલ તક બઢ ચુકા થા, ઓર કિતના બઢેગા ઓર કબ તક બઢેગા ઉસકી કોઈ સીમા નહીં. ये प्रेम का लक्षण है. प्रतिक्षण वर्धमानम, एक सेकंड से दूसरे सेकंड में प्रेम बढ़ा हुआ ही होना चाहिए. दशम स्कंद में आप छठे अध्याय के बाद से धीरे धीरे जैसे जैसे एक एक अध्याय आगे बढ़ो, तो जैसे गोपियों की प्रेम की अवस्था बढ़ती गई, उनके अंदर का प्रेम बढ़ता गया ठाकुर जी के प्रति, ऐसे ही दिन प्रतिदिन आपके अंदर भी ठाकुर जी के प्रति जो प्रेम है वो बढ़ा हुआ ही होना चाहिए. रोज उसमें कोई ना कोई परसेंट का इंक्रीज होना जरूरी है, वो प्रेम का लक्षण है. प्रतिक्षण वर्धमान. चौथा लक्षण अविच्छिन्न, बिना किसी रुकावट के प्रेम निरंतर होना चाहिए. श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में कपिल देव जी पुष्टि भक्ति का लक्षण, पुष्टि भक्ति का लक्षण समझाते हुए वहां पे आज्ञा करते हैं कि मद गुण श्रुति मात्रे न मई सर्व गुहाशये मनोगति रवि छिन्ना यथा गंगा अंब सोम बुधो. जैसे गंगा जी का जल एक सेकंड से दूसरे सेकंड रुके बिना निरंतर समुद्र में मिलता जाता है, वैसे ही मन की गति अविच्छिन्न होकर भगवान में लगी रहे, वो शुद्ध पुष्टि भक्ति निर्गुणा भक्ति का लक्षण है, ये प्रेम का लक्षण है. भाई गंगा जी ने केटला वर्ष थया भूतल पर पधारी ने? લાખો વર્ષ થયા હશે. હવે એ લાખો વર્ષમાં તમે કોઈ પણ દિવસ કોઈ જગ્યા તમારે વાંચવામાં આવ્યું, કોઈ જગ્યા સાંભળવામાં આવ્યું, કોઈ જગ્યા તમારે જોવામાં આવ્યું કે ગંગાજીનો પ્રવાહ એક સેકન્ડ માટે પણ સ્ટોપ થઈ ગયો હોય, ગંગાજી ઉભા રહી ગયા હોય, કન્ટિન્યુઅસ ગંગાજીનો પ્રવાહ જે દિવસ ગંગાજી ભૂતલ પર પધાર્યા તે દિવસથી લઈને આજ દિવસ સુધી ગંગાજીનો પ્રવાહ કન્ટિન્યુ ચાલુ છે. તમે બધા વૈષ્ણવ અત્યારે બહુ એક્સપિરિયન્સ મને દેખાવ છો, 40-50-60-70 વર્ષના બધા મને આમ ગ્રુપમાં દેખાવ છો. જે દિવસ તમે તમારા માતાના ઉદરમાં હતા, ત્રીજા ચોથા મહિને જ્યારે તમારા હાર્ટનો વિકાસ થયો, તે દિવસથી તમારું હાર્ટ ધડકવાનું જે ચાલુ કર્યું એ આજ દિવસ સુધી ચાલુ જ છે, એમાં એક સેકન્ડ પણ એ સ્ટોપ થયો છે? જો હાર્ટ થાકીને કહી દે કે ભાઈ મને એક મિનિટ માટે તો મને જરા થોડુંક આપ રજા આપો, મને શાંતિથી બે મિનિટ બેસવા દો, બોલો આપણી શું હાલત થાય? તો જેમ તમારો હાર્ટ કન્ટિન્યુ તમારી સેવા કરે છે, એક પણ સેકન્ડનો એમાં અંતરાય વગર, એક પણ સેકન્ડ રૂકે વિના
जैसे गंगा जी का जल एक भी सेकंड रुके बिना कंटिन्यू बह रहा है, वैसे ही आपके मन की गति कंटिन्यू ठाकुर जी में लगी रहे, ठाकुर जी से बाहर नहीं जाए, वो प्रेम का चौथा लक्षण है, अविच्छिन्नम। और इसी अर्थ में श्री महाप्रभु जी सिद्धांत मुक्तावली में आज्ञा करते हैं कि कृष्ण सेवा सदा कार्य। सदा कार्य का ये मतलब नहीं कि आप 24 घंटा ठाकुर जी के सामने बैठे रहो, पर आपका मन एक सेकंड के लिए, भले आप लौकिक कार्य में हो, भले आप कोई वैदिक कार्य में हो, भले सेवा में हो, भले दुनिया के किसी कार्य में आप व्यस्त रहो, लेकिन आपके मन की गति एक सेकंड भी ठाकुर जी से बाहर नहीं होनी। हर एक कार्य करने के पहले आपके चित्त में ठाकुर जी होने चाहिए, ठाकुर जी के निमित्त हर एक कार्य करो। जो तुम्हारे लौकिक कर्म हो तो तुम्हें चौक्स लौकिक कार्य में प्रवृत्त था, कोई तुमने ना नहीं कहता, पर एमा पण तुम ठाकुर जी नो भाव रखो कि ठाकुर जी अत्यारे मारी पासे आ करावा मांगे छे, ने तुम आ कार्य करो, ठाकुर जी मारी पासे अत्यारे, एमा बस तुम्हारे ईमानदारी राखवी जरूरी छे, एमा बेईमानी करता नहीं। जो तुम्हें बेईमानी करसो तो तुम्हें पोताने छेतरी रहा छो, ठाकुर जी ने नहीं। तो बस ईमानदारी रखनी जरूरी है कि आप चाहे लौकिक करो, आप चाहे वैदिक करो, लेकिन हर एक कार्य करने से पहले ठाकुर जी का विचार रखो कि भाई ठाकुर जी मेरे पास इस सेकंड इस क्षण ये कार्य कराना चाहते हैं। आप लोग सबने रास पंचाध्याय बहुत बार सुनी होगी, रास दशम स्कंध में वर्णन आता है कि भाई गोपियों ने 6 महीने तक रास। अब कहीं पे भी श्रीमद् भागवत जी में दशम स्कंद में कहीं पे भी आपको ये वर्णन मिलता है कि गोपियों को 6 महीने में आटला आटला अड़चनों आएवा, आटला आटला गोपियों ने सूतक आयू, आटला आटला गोपियों ने पिंडरू लागू, आटला गोपियों ने मासिक धर्म नो दोष लागो, कहीं तुम्हारे वाँचवामां आवे छे। तमारे दर महीने महीने 4 दिवस माटे तमे अड़चन में आओ छो, त्या 6 महीना निकली गया, 6 महीना निकली गया रास करता करता, कोई अड़चन में केम नहीं आया। सेठ पुरुषोत्तम दास ने वार्ता वाची जब 84 वैष्णव की वार्ता में आप सेठ पुरुषोत्तम दास की वार्ता वाचो, जब सेठ पुरुषोत्तम दास के लड़के को देख के लगा कि अवे बापा गरडा थया छे, अवे मारा पिता थी अवे आटली बड़ी सेवा नहीं पहुंचाए तो मारे वधारे सेवा में हाजिर रहू पड़से मारा पिता ने साथे, कि जेथी ये सेवा शांति थी करी सके, सेवा में कोई अड़चन नहीं आवे। तो जारे एना छोकराना मन में विचार आयो त्यारे पछी एमने एमना पिता ना केवा दर्शन थया, जीवन थे पुरुषोत्तम दास आ अविच्छिन्न, कोई पण जातनी रुकावट वगर जारे तमने ठाकुर जी गमे छे, जारे तमे ठाकुर जी नी सेवा करी शको, कोई पण जातनी रुकावट वगर जारे तमे कंटिन्यू सेवा मां परायण रहो छो, आ प्रेम नो लक्षण छे। गोपियों नो लौकिक देह तो ने, गोपियों नो लौकिक देह नो तो एटले एने कोई जातनी अड़चण ना आवी। જ્યારે આ જાતનો પ્રેમ આપણી અંદર ઉત્પન્ન થાય ત્યારે તમને દેહના કોઈ પણ દોષ હોય, દેહની કોઈ પણ વસ્તુ હોય એ બાધક કરતી નથી। આજના સમયમાં તમારો દેહ તમને સેવામાં બાધક કરે છે કે નથી કરતો? દેહના કારણે સેવામાં અમુક બાધા ઉત્પન્ન થાય છે કે નથી થતી? નીચે કદાચ નથી બેસાતું હોય, વધારે સમય સુધી તમે નીચે નહીં બેસી શકો, ત્યારે તમારો દેહ સેવામાં બાધક બનતો નથી, અવિચ્છિન્ન। પછી 5મો લક્ષણ શ્રી નારદજી કહે છે કે સૂક્ષ્મતરમ ઓર અનુભવ રૂપમ, પ્રેમ કા અનુભવ સૂક્ષ્મ સે ભી સૂક્ષ્મતર હૈ। यानी जब अपन इस अवस्था की प्रेम में पहुंचते हैं तब सूक्ष्म से सूक्ष्म विषयों का अपन अनुभव कर सकते हैं। अभी अपन वेणुनाद की चर्चा कर गए कि भाई ठाकुर जी तो आज भी वेणुनाद करते हैं पर अपन को वेणुनाद का श्रवण नहीं होता है, तो उसका कारण यहाँ पर ठाकुर जी इतनी सूक्ष्म
सूक्ष्मता से वेणुनाद करते हैं, उस टाइम पे गोपियों की आप अवस्था सोचो कि गोपियों की प्रेम की क्या अवस्था होगी। ठाकुर जी ने ब्रज में पहले भी वेणुनाद किया, सिर्फ रास पंचाध्याय के टाइम पर ठाकुर जी ने वेणुनाद नहीं किया, ठाकुर जी तो बचपन से वेणु बजा। लेकिन गोपियों की प्रेम की अवस्था पहले इतनी नहीं थी, पहले उनकी कच्ची अवस्था थी कि उनको वेणुनाद का श्रवण नहीं होता था, या होता तो भी उनको समझ नहीं आता था। लेकिन रास पंचाध्याय तक पहुंचते पहुंचते उनकी प्रेम की अवस्था इतनी दृढ़ हो गई कि ठाकुर जी ने चंद्र सरोवर में बैठ के वेणु बजाया होगा, तो वो सूक्ष्म वेणु भी गोपियों के कान में पड़ी, उनको अनुभव हुआ और वो तुरंत ठाकुर जी की तरफ दौड़ गए। आज के समय ठाकुर जी वेणुनाद करते हैं पर अभी तक अपन को अनुभव नहीं होता है, क्योंकि आज अपनी प्रेम की कच्ची अवस्था है, आज अपने भाव की कच्ची अवस्था है, इसलिए अपन को सूक्ष्म वस्तुओं का अनुभव नहीं हो रहा है। जिस दिन अपना भाव दृढ़ होगा, जिस दिन अपने अंदर ठाकुर जी के प्रति इस प्रकार का अलौकिक अकारण स्नेह उत्पन्न होगा, उस दिन मैं आपको लिख के देता हूं कि आपको ठाकुर जी का वेणुनाद की श्रवण होगा। अबे मारे वैष्णव ने फरी पाछे एक प्रश्न करवाना छे, वे तमारा બધાના ઘરમાં ઠાકોરજી બિરાજે છે બરાબર, અને આપણે ઠાકોરજી માટે આપણે કહીએ છીએ કે ભાઈ આ તો સાક્ષાત આનંદ રૂપ છે, બોલો આપણે કહીએ છીએ કે નથી કહેતા, પૂર્ણાનંદ પૂર્ણાનંદો હરિસ્તસ્માત કૃષ્ણ એવ ગતિર્મમ, આપણા ઠાકોરજી પૂર્ણાનંદ છે। હવે તમે જ્યારે તમારા ઘરમાં બિરાજતા ઠાકોરજીના તમે ચરણ સ્પર્શ કરો છો, તમને કેટલો આનંદ થાય છે, આનંદનો અનુભવ થાય છે ચરણ ને સ્પર્શ કરતા? ભાઈ સાક્ષાત આનંદ ને તમે સ્પર્શી રહ્યા છો, તમને એવો કોઈ આનંદ થાય છે? હું તો ઘણી વાર વૈષ્ણવ ના ત્યાં મુકામ કરું છું ને, મુકામ કરું છું વૈષ્ણવ ના ત્યાં, મારે રહેવાનો જયારે વારો આવે છે અને સેવામાં જયારે અમે વૈષ્ણવ ની સાથે હોઈએ, ત્યારે ઘણા વૈષ્ણવ ને હું જોઉં છું, એ લોકો કેવી રીતે ઠાકોરજી ને ચરણ સ્પર્શ કરતા હોય છે, જેમ કે પ્યાનો વગાડતા હોય। હા, હવે તમે જો આ રીતે જો તમે ઠાકોરજીના ચરણ સ્પર્શ કરો તો તમને શું આનંદનો અનુભવ થશે? આ બહુ સૂક્ષ્મ વસ્તુ છે, આ કોઈ બહુ મોટી વસ્તુ નથી, ઠાકોરજીના ચરણ સ્પર્શ કરવા આ બહુ સૂક્ષ્મ વસ્તુ છે, પણ આ સૂક્ષ્મ વસ્તુમાં પણ જે જાતનો ભાઈ સાક્ષાત આનંદ બિરાજે છે તમારા ત્યાં, સાક્ષાત આનંદ ને તમે સ્પર્શ કરી રહ્યા છો, એનો કેટલો આનંદ થવો જોઈએ તમારા હૃદયમાં? એ લેવલ નો આનંદ થાય છે, આનંદ તો થાય છે એમાં ના નથી, પણ એનો લેવલ શું છે, કેટલો આનંદ થાય છે? કારણ કે એ લેવલ નો પૂર્ણાનંદ, જયારે તમને પૂર્ણાનંદ નો અનુભવ થાય ને ત્યારે ક્યારેય ઓછો નહીં થાય। આજે તમારો આનંદ એ દૂધમાં ઉફાન જેવું છે, થોડું પાપ આપો તો ઉફાન આવે છે, ને જેમ તમે પછી સેવાથી બહાર નીકળો ને તો શાંત થઈ જાય છે બધું। આજે આનંદ ટકતું નથી, એનો કારણ એ છે કે આપણો પ્રેમ હજી કાચો છે, હજી આપણો પ્રેમ એટલો દ્રઢ થયો નથી। અહીંયા તમે વૈશ્યાની વાર્તાને વિચારી જાઓ કે વૈશ્યાનો તમે ખાલી કલ્પના કરો કે એને કેટલો તાપ હશે, કે એ તાપમાં કે એ પીરિયડમાં ઠાકોરજીની સેવા નહીં કરી શકે છે, એનો એને કેટલો તાપ છે, કેટલો દુઃખ છે એને, કે જયારે એ સેવા કરવા ગઈ ત્યારે એનો સેવા કરવું એ દોષ રૂપ નથી બન્યું। ક્યુંકી જબ ઇસ પ્રકાર કા અલૌકિક સ્નેહ અપને અંદર ઉત્પન્ન હો જાય, તબ સારી મર્યાદા એક બાજુ ને આ પ્રેમ, આ અલૌકિક પ્રેમ એક બાજુ, આ તમારા બીજ ની બીજી અવસ્થા છે, કે જયારે તમે બીજ ને તાપ આપો, તમારા બીજ ભાવ ને તમે તાપ આપો, ત્યારે તમારી અંદર આ જાતનો પ્રેમ ઉત્પન્ન થાય છે, આવો અલૌકિક પ્રેમ તમારી અંદર ઉત્પન્ન થશે। હવે આની ત્રીજી અવસ્થા કઈ? હવે ધારો કે આ પ્રેમ ઉત્પન્ન થઈ ગયો, હવે આ તમારો બીજ રૂપી ભાવ, એની ત્રીજી અવસ્થા કઈ? તો શ્રી ગુસાઈનજી લખે છે કે મનોરથમે શાખા શતૈ સંપ્રથમ, જેસે કંદલ નીકળને કે બાદ આપ જમીન મે બીજ ગાડો, ઉસકો તાપ દો, ઉસકે બાદ જેસે ઉસમે સે કંદલ, ઇતની સી કંદલ નીકળતે હૈ, તો કંદલ નીકળને કે બાદ ઉસમે સે ડાલિયા નીકળેગી। બીજ કો ગાડ કે જબ આપ પોષણ કરો તો ઉસકી તીસરી અવસ્થા હૈ કે ઉસમે સે ડાલી નીકળેગી। તો વૈસે હી પ્રેમ પ્રગટ હોને કે બાદ અપને મન મે
विविध प्रकार के मनोरथ उत्पन्न होंगे। आ तमारा बीज नी त्रीजी अवस्था, जैसे उस बीज में डालियां निकलती है, ठीक इसी प्रकार से श्री गुसाई जी यहाँ पे लिखते हैं कि मनोरथमय शाखा क्षति संप्रतम। ठाकुर जी अपने यहाँ ठाकुर जी के लिए एक शब्द कहते हैं कि भाई ठाकुर जी भक्त मनोरथ पूरक है, पर दिक्कत यह है कि भक्तों के अंदर लौकिक और अलौकिक दोनों प्रकार के मनोरथ उत्पन्न होते हैं। तो अबे ठाकुर जी क्या मनोरथ ना पूरक है? जिस मनोरथ से आपके भाव का पोषण होता हो, आपके बीज का पोषण होता हो, ठाकुर जी ऐसे सारे मनोरथ अवश्य पूर्ण करेंगे। अगर जो कोई मनोरथ आपके ठाकुर जी पूर्ण नहीं करते हो, तो खाली ये बात का विचार रखो उस समय पे कि भाई उस मनोरथ से आपके बीज भाव का पोषण नहीं होता। क्योंकि जिस मनोरथ से आपके बीज भाव का पोषण होता है, ऐसे मनोरथ ठाकुर जी अवश्य पूर्ण करते हैं। ठाकुर जी करेंगे ही करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें शंका का कोई स्थान नहीं है। इसलिए अपने यहाँ ठाकुर जी को भक्त मनोरथ पूरक कहते हैं कि हर वो मनोरथ जिससे आपका भाव दृढ़ होता हो, ऐसे सर्व मनोरथ ठाकुर जी पूरे करेंगे। ये आपके बीज की तीसरी अवस्था। अब बीज की चौथी अवस्था, डाली निकलने के बाद एक बीज को जब आप जमीन में गाड़ो, उसका पोषण करो, तो उसकी चौथी अवस्था है कि डाली निकलने के बाद उसमें पत्ते लग गए, पांदड़ा। तो ठीक ऐसे ही विविध प्रकार के मनोरथ उत्पन्न होने के बाद अपन को ठाकुर जी के अंदर स्नेह उत्पन्न होता है। हवे स्नेह आए, पहला प्रेम, हवे स्नेह आए। मनोरथ, विविध प्रकार के मनोरथ उत्पन्न होने के बाद अपन को ठाकुर जी के अंदर स्नेह उत्पन्न होता है। हवे प्रश्न ये कि स्नेह एटले शू? पहला अपने प्रेम जोई गया कि प्रेम एटले शू, हवे मने को क्या स्नेह एटले शू? बोलो बन्ने मां शू अंतर? आप प्रेम करता बे पगथिया ऊपर छे, प्रेम नी एक एडवांस आ दशा छे स्नेह। तो स्नेह एटले शू? जब अपने अंदर हवे केवी रीते जाणवो के भाई तमने ठाकुर जी प्रत्ये स्नेह छे के नहीं, एने तमे चेक केवी रीते करशो? तो श्री गुसाईन जी लखे छे कि जब अपने अंदर स्नेह उत्पन्न होता है, तब ठाकुर जी संबंधित सभी वस्तु अपने को ऑटोमेटिकली प्रिय बन जाती है। ठाकुर जी संबंधित दर एक वस्तु तमने जारे गम्वा लागी जाए ने, त्यारे समझो कि तमने ठाकुर जी प्रत्ये स्नेह उत्पन्न थयो छे। हवे मारे पाछा वैष्णव ने एक प्रश्न करवानो, ईमानदारी से जवाब आपजो, खाली रेकॉर्डिंग थाय छे करीने जवाब नहीं आपता। कोई पण महाप्रसाद तमने गमे छे के तमारी भावती वस्तु नो तमने जो महाप्रसाद मळे तो तमने गमे छे? तमे मंदिर जाओ ने तमने जो प्रसाद आपवामां आवे तो कोई पण प्रसाद तमने गमे छे के तमारी भावती वस्तु नो जो प्रसाद मळे तो तमने वधारे गमे? मने ठाकोर जी ना झारी जी ना जल अने एना त्रणमुख ना जो स्नान करेलू जल बहु पसंद छे। जल ની વાત નથી કરતો ભાઈ હું, અચ્છા મહાપ્રસાદ ની વાત કરું છું। ભાવતું ધારો કે તમને કારેલા નથી ભાવતા અને એ દિવસ તમને કારેલા નું જો ઠાકોરજી પ્રસાદ આપવા આવે કે લે બેન તું આ કારેલા ખા, બોલો તમે કેટલા પ્રેમથી કારેલા ખાવ? એને પ્રસાદ છે એટલે હું કહીએ કાઈ ની મળે તો લઈ લેવાનું। જે જે હિન્દી મે બોલીએ તો હમકો ભી સમજ મે આવે। अब मेरे ख्याल से जितने भी वैष्णव जातक ग्रुप में हैं, सब थोड़े से सीनियर सिटीजन की उम्र के हैं, बराबर। अब ज्यादातर आप लोगों को डायबिटीज होगी, वधारे पड़ता वैष्णव ने डायबिटीज हसे, बराबर।
હવે હું કેટલું ઠોર મઠરી બુંદી આપું તો તમે આનંદ થી લેશો. આ બુંદી કેટલી ખાવ કે પ્રસાદ છે? જે જે થોડું થોડું કનિકા આપજો, જે જે ખાલી થોડું થોડું પ્રસાદ છે માટે. તો જબ અપને કો ઠાકોર જી મે સ્નેહ ઉત્પન્ન હોતા હૈ તબ ઠાકોર જી સંબંધિત એક એક વસ્તુ અપન કો પ્રિય હોતી, તબ અપને અંદર અપના ભાવ નહીં ઉત્પન્ન હોતા. આ ઠાકોર જી નો છે, ઠાકોર જી નો પ્રસાદ છે, મને ગમે છે. આ ઠાકોર જી સંબંધિત વસ્તુઓ છે, મને ગમે છે. ये ठाकुर जी संबंधित विषय है, मेरे को पसंद. पुराणों में एक प्रसंग आता है, राधिका जी एक बार अपने सब सखियों के साथ बैठे थे और राधिका जी एक बात बताते हैं कि जोई जोई मोए भावे सोई सोई करे प्यारो. राधिका जी कहते हैं कि जोई जोई मोए भावे सोई सोई करे प्यारो. तो राधिका जी के जितने भी सखियां थे बहुत एक्साइट होकर राधिका जी से पूछते हैं कि ऐसा आपको क्या क्या पसंद है कि ठाकुर जी वही वही कार्य करते हैं. तो राधिका जी जवाब देते हैं, जोई जोई करे प्यारो सोई सोई मोए भाव. ठाकुर जी जो करते हैं मेरे को वो सब कुछ पसंद है. ठाकुर जी मेरे साथ हंसते हैं तो भी मेरे को पसंद है. ठाकुर जी मेरे से झगड़ा करे तो भी मेरे को पसंद है. ठाकुर जी मेरे से गुस्सा हो जाए तो भी पसंद है. ठाकुर जी प्रेम करे तो भी पसंद है. जोई जोई करे प्यारो सोई सोई मोए. एक सच्चा पुष्टि जीव वो ठाकुर जी की हर लीला में समान भाव रखता है, चाहे उस लीला से कुछ अच्छा हो या चाहे कुछ बुरा हो. चाहे अपने जीवन में कुछ अच्छा हो चाहे अपने जीवन में बुरा हो, हर एक कृति को, हर एक सिचुएशन को, हर एक परिस्थिति को जब समान भाव से वो ठाकुर जी की लीला के रूप में देखता है, वो स्नेह का लक्षण है और वही सच्चा पुष्टि जीव है. तेरी महफिल से कोई गैर उठाता क्या मजा ले. तेरी महफिल से कोई गैर उठाता क्या मजाल है, लेकिन मैं देख रहा था इशारा तेरा ही था. अपने जीवन में घटते अच्छे बुरे जो संजोग हैं, जो प्रसंग हैं, उन पे दृष्टि मत रखो. किनके कारण आपके जीवन में ये घट रहा है उन पे दृष्टि रखो. जब तक ठाकुर जी का इशारा नहीं हो तब तक ये राहु केतु शनि मंगल अमंगल ये सब आपके जीवन में बाधक उत्पन्न नहीं कर सकते. लेकिन अगर ये आपके जीवन में बाधा उत्पन्न करते हो तो समझ लो इशारा ठाकुर जी का. तो अपने जीवन में घटते अच्छे बुरे हर एक संजोग में जब आप ठाकुर जी का भाव रखो, वो स्नेह का लक्षण है. तो भाई मारा जीवन में आ थयू ए महत्वनु नथी, करवा वाला कौन छे ए महत्वनु छे. ठाकुर जी के कारण आपके जीवन में ये संजोग निशान सुखो स्वामी बंद थई गयो गरो. संजोग महत्व का नहीं. तो जब आप इस प्रकार से अपने जीवन को देखने लग जाओ कि आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो ठाकुर जी के कारण है और क्योंकि ठाकुर जी के कारण है इसलिए आपको पसंद है, ये स्नेह का लक्षण है. ठाकुर जी संबंधित हर एक वस्तु जब आपको प्रिय हो, ये स्नेह का लक्षण है. ये बीज की चौथी अवस्था. अब आपके बीज की पांचवी अवस्था है मुदा कुसुमितम. जैसे पत्ते लगने के बाद उस बीज की पांचवी अवस्था है कि उसमें कलियां निकलती है, फूल की कलियां निकलेगी. तो ठीक वैसे ही स्नेह प्रकट होने के बाद ठाकुर जी संबंधित वस्तुओं में अपना राग उत्पन्न होगा. और राग यानी संस्कृत व्याकरण के अनुसार राग शब्द का अर्थ है रंजनम राग. जिससे आपके मन का रंजन हो वो राग, जिससे आपका मन प्रसन्न हो वो राग. भाई आज आपके जीवन में अनेक प्रकार के दुख होंगे. आज आप किसी भी वैष्णव को, किसी भी व्यक्ति को पूछो, चाहे उसका पैसा हो चाहे उसका पैसा नहीं हो, किसी भी व्यक्ति को आप पूछो
तो वो यही बोलेगा कि भाई मेरे जीवन में अनेक प्रकार के दुख है, हमारा जीवन में बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, और हमारे साथ भी ऐसे ही होता है ज्यादातर। मैंने शायद ही कभी किसी वैष्णव को अपने खुशी के समाचार हमारे साथ बांटते देखा, ज्यादातर वैष्णव अपने दुखी समाचार ही हमारे साथ बांटते। तो बहुत कम मैंने ऐसे देखा होगा कि जो वैष्णव ऐसा संतुष्ट हो कि भाई जिसको लगता है कि भाई हमारा जीवन में कोई दुख नहीं, बाकी नहीं तो ज्यादातर मैंने देखा है कि लोगों के जीवन में दुख ही दुख है। अब आपके जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट है, लेकिन जिनको देखकर आप अपने सारे दुख सारे कष्ट भूल जाते हो वो आपका राग। लौकिक को देख के अगर आप अपने कष्ट भूल जाते हो तो लौकिक में आपका राग। ठाकुर जी को देख के, ठाकुर जी की सेवा करके, ठाकुर जी का नाम लेके, पाठ करके, सत्संग करके अगर आप अपने जीवन के अनेक प्रकार के दुखों को कष्टों को भूल जाते हो तो वो ठाकुर जी में आपका राग। ये प्रेम की आपकी पांचवी अवस्था है। उनके देखे से यूं आ जाती है चेहरे पर रौनक, उनके देखे से यूं आ जाती है चेहरे पर रौनक, वो समझते हैं बीमार का हाल अच्छा है। भाई फलाना व्यक्ति तो अभी तक बहुत बीमार था, क्रिटिकल स्थिति में था, लेकिन उसका प्रिय व्यक्ति जब उसके सामने आ जाता है तो उसके चेहरे पे ऐसी एक चमक आ जाती है कि अपन को लगता है कि ये तो बीमार था ही नहीं, ये तो अच्छा ही है हमेशा, ये बीमार कब था भाई, तुम्हें तो बीमार रखा ने, तुमने शू थी क्यों। वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। जब आपका भाव इस अवस्था में पहुंचे कि जब आपके मन का रंजन, आपके मन की प्रसन्नता केवल ठाकुर जी या सेवा संबंधित विषयों से ही होती हो, वो आपका राग। और इसका उदाहरण अगर आपको देखना हो तो 252 में आपको दया भवैया की वार्ता देखा। दया भवैया की वार्ता में वो भवाई करने राजा के सामने गया, उसने अनेक प्रकार के वेशभूषा स्वांग रचे सब उसने धारण किया, पर वो राजा को प्रसन्न नहीं कर, प्रसन्न नहीं हो, राजा उसके आगे प्रसन्न नहीं हो। फिर उसको किसी ने बताया तू वैष्णव बन के जा, तू वैष्णव वेशभूषा धारण करके जा, तब वे वैष्णव बनी ने जाओ। और जब वो वैष्णव बन के जाता है तब वो राजा प्रसन्न हो जाता है। तो उसके मन का रंजन केवल वैष्णवों से होता है, वो उसका राग। तो ऐसे ही जब ठाकुर जी संबंधित वस्तुओं से आपके मन का रंजन हो वो आपका राग, रंजनम राग। तो ये अपने प्रेम की पांचवी अवस्था। अब प्रेम की अपने बीज भाव की छठी अवस्था कौन सी? तो जैसे एक कली, कली खिल के फूल बन जाता है, कली की नेक्स्ट अवस्था आगे की अवस्था है फूल बन जाना। तो ठीक वैसे ही जब अपना राग अनुराग में बदल जाए वो अपने बीज की छठी अवस्था है। भाव की इस अवस्था में अपने मन में आशा बंधती है कि भाई हवे फल बढ़वानो छे। जब आप किसी बीज को गाड़ो, जब आप एक बीज को गाड़ो और उस बीज को जब आप पोषण करो और जब उसमें पत्ते निकलते, कली निकलती, और कली के बाद जब फूल निकलता है ना, तो जब एक पेड़ में आप फूल देखते हो ना, तो फूल देखने के बाद आपके मन में एक आशा बंधती है कि हवे फल बढ़वानो छे। हवे यानी नेक्स्ट जे, आगळनी जे नेक्स्ट अवस्था छे ए फलनी ज छे। तो जब आप राग से अनुराग में पहुंचते हो तब आपके मन में भी एक आशा बंधती है कि हवे मने भावनो फल मळवानो छे। हवे प्रश्न छे कि अनुराग एटले शू, राग अने अनुराग में शू अंतर, राग और अनुराग में क्या अंतर है? जिससे आपके मन का रंजन हो वो राग, लेकिन जिसके पीछे पीछे आपका मन पहुंच जाए, आपका मन जिस वस्तु जिस विषय के पीछे दौड़ता रहे वो अनुराग। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अमुक अमुक लोगों को बाहर खाना पीना पसंद है, वे किसी को बाहर खाना पीना अच्छा लगता है, भाई मने बहु गमे छे बाहर नो खाऊ पीऊ, मने बहु गमे छे। तो ये बाहर के खान पान में आपका राग,
अब कोई कोई लोग बाहर के खान पान के लिए पागल, उनको क्रेज है कि जब तक वो बाहर का नहीं खाएंगे ना तब तक उनको शांति नहीं मिलेगी। अब इंडिया में तो लगभग ये कल्चर बन गया है, मेरे ख्याल से विदेश में भी होगा, इंडिया में तो ये कल्चर बन गया है, सैटरडे संडे पे घर पे रसोई बनती ही नहीं है, बाहर खाना जरूरी है। ये अनुराग आ राग नहीं, तमने बाहर नु खाऊ खाली गमतू नहीं, तमे गाणा छो। जहां सुधी तमे बाहर नु नहीं खाओ ने त्यां सुधी तमने शांति नहीं। तो आ अनुराग तमारू मन एनी पाछळ ने पाछळ ज छे। तमे ठाकुर जी नु चरित्र सांभळो, आप ठाकुर जी की एक कथा का श्रवण करो, आपने ठाकुर जी की लीला का श्रवण करो और आपके दिमाग में उस लीला का एक पिक्चर बन गया। आप रासलीला श्रवण कर रहे हो और रासलीला का एक पिक्चर आपके दिमाग में बन गया, ये आपका राग। अब कथा का श्रवण करते करते अगर उस रासलीला का आपके दिमाग में वीडियो चालू हो जाए वो आपका अनुराग। खाली पिक्चर नहीं, आपको ऐसा लगेगा कि आप भी उसी लीला के अंदर हो, ये अनुराग। जहां पे आपका मन आपका चित्त उस लीला के पीछे पीछे लग जाए, जब आपका मन ठाकुर जी की सेवा में ठाकुर जी की कथा में पीछे लग जाए पाछड़ पड़ी जाए, ये अनुराग। और जब उसी से आपके मन का रंजन होता हो वो अनुराग की अवस्था है। तो ये आपके भाव की छठी अवस्था, ये बीज की छठी अवस्था है। और अब आती है सातवीं अवस्था, अंतिम अवस्था, लीला बीज फलितम। गुसाई जी कहते हैं कि जैसे बीज की अंतिम अवस्था फल है, एक बीज की आप केरी का बीज जमीन में डालो तो उसका फल क्या कि जब आपको केरी मिले, जब आपको आम मिले वो उस बीज का फल है। तो जैसे एक बीज का अंतिम अवस्था, एक बीज की अंतिम अवस्था फल है, वैसे ही भाव की अंतिम अवस्था व्यसन है। जब आपका ठाकुर जी में अनुराग इस प्रकार से दृढ़ हो जाए तो जीव व्यसन अवस्था में पहुंच जाता है। एक है आपके अनुराग की आरंभ दशा और एक है जब आपका अनुराग दृढ़ हो जाए तब आप व्यसन अवस्था में पहुंचते हो। आपके भाव की सबसे अंतिम अवस्था जो है वो है व्यसन। जब आपका भाव छह अवस्था तक दृढ़ होकर सातवीं अवस्था में पहुंचता है तब आपको ठाकुर जी के लिए व्यसन उत्पन्न होता है। अब व्यसन एटले सु, व्यसन यानी, व्यसन का सामान्य अर्थ है तद बिना स्थातुम अशक्ति, जिसके बिना आप नहीं रह सकते वो व्यसन। भाई माराती रेवा यूज नहीं, ये जो अवस्था है अशक्ति, तमारी अंदर एक जातनी अशक्ति, ए अशक्ति नु नाम व्यसन छे। भागवत में एक प्रसंग आता है, पृथ्वी पृथ्वी गाय का रूप लेके ब्रह्मा जी के पास जाती और ब्रह्मा जी के पास जाके वो अपने अनेक दुख प्रकट करती कि भाई मेरे पे कितने अत्याचार हो गए। तो श्रीमद भागवत की उस सुबोधनी जी में श्री महाप्रभु जी लिखते हैं कि अप्रतिकार दुखम व्यसनम, जिस दुख का कोई प्रतिकार ही नहीं है। भाई तमारा जीवन में आटला दुखो छे कि ए दुखो ने समझावा माटे तमारी पासे शब्दो नथी। तो जारे तमे तमारो दुख ने शब्दों नो रूप नहीं आपी शको एटलो जे दुख छे एने अहींया श्री महाप्रभु जी व्यसन कही रहा छे। अप्रतिकार दुखम व्यसनम, जब आप अपने दुख का कोई प्रतिकार नहीं कर सको, सामने वाले को नहीं समझा सको कि आपको कितना दुख हो रहा है, ऐसे दुख को श्री महाप्रभु जी यहाँ पे व्यसन कहते हैं। भाई ठाकुर जी की सेवा अपन करते हैं और लेडीज होने के नाते आप चार दिन अड़चन में आ जाते हो, बराबर। और वो चार दिन सेवा नहीं करने का आपको दुख होता है, कितना दुख होता है, कितना दुख थाय छे तुमने? बहुत थाय। चार दिवस तुम्हारी सेवा छूटे छे, चार दिन आपकी सेवा छूटती है, उसका आपको कितना दुख होता है? मने कोई मापदंड आपो, मने समझाओ। तमे को जे जे बहु दुख थाय छे એટલે બહુ એટલે શું કેટલો દુખ થાય છે?
राजपंचाध्याय की सुबोधनी जी में, राजपंचाध्याय की सुबोधनी जी में श्री महाप्रभु जी आ तमे कहो छो ना गुजराती में जीजी अमने बहु दुख थाय छे, आ बहु आनो मापदंड श्री महाप्रभु जी राजपंचाध्याय की सुबोधनी जी में आपी रहे। जब अपन बोलते हैं कि जे जे हमको तो भाई बहुत दुख होता है, तो वो बहुत का मापदंड श्री महाप्रभु जी अपन को सुबोधनी जी में बताते हैं राजपंचाध्याय। श्री महाप्रभु जी लिखते हैं कि ठाकुर जी के वेणुनाथ का श्रवण करने के बाद अमुक ऐसी गोपियां थी जो चंद्र सरोवर नहीं जा पाई, उनको उनके पति ने ससुराल वालों ने घर पे ब्लॉक कर दिया, रोक दिया, नहीं जा पाए, वो घर में रह गए। ऐसे गोपियों को अपने यहाँ पे पुष्टि मार्ग में अंतर ग्रह गता गोपी कहते, जे घर में ज रही गया ने जे रास में नहीं पहुंची सक्या एवा एवी जे गोपियों होती एवी गोपियों ने अपना त्या अंतर ग्रह गता गोपियों कहेवामां आवे छे। वो इसलिए नहीं पहुंच पाए क्योंकि उनको उनके घर वालों ने अटका दिया। अब ऐसी गोपियों को इतना दुख हुआ, महाप्रभु जी वहां पे सुबोधनी जी में अपन को समझाते कि करोड़ों ब्रह्म कल्पों तक कुंभी पाक जैसे नरक में अगर आपको कोई छोड़ दे और उस नरक में आपको जितना दुख हो उतना दुख उन अंतर्ग्रहगता गोपियों को रास में नहीं पहुंचने के कारण हुआ। तो भैया तुम्हारे बे वस्तु समझवा, दो वस्तु समझो, करोड़ों ब्रह्म कल्पों तक कुंभी पाक जैसे नरक में। तो सबसे पहले तो करोड़ों ब्रह्म कल्प एटले केटला वर्ष थया कैलकुलेट कर जो, लखवो है तो तमे लखी लेजो। कलयुग के 432,000 वर्ष, द्वापर के उससे डबल 864,000, 864,000 ईयर्स, ये द्वापर, उससे डबल नहीं, उसमें और ऐड करो तो वो त्रेता युग 12,96,000, और त्रेता युग में आप और 432,000 ऐड करो तो 17,28,000, ये सतयुग के वर्ष। अब आप इन चारों का टोटल करो, सरवाड़ो करो, इन चारों का जब आप टोटल करोगे तो टोटल आएगा 43,20,000 ईयर्स। आ एक चतुर्युगी, आवी करोड़ों चतुर्युगी 43,20,000 ईयर्स। तो श्री महाप्रभु जी लिखते हैं कि ऐसे हजार चतुर्युगी एटले केटला करोड़ों वर्ष थया, इतने सालों तक अगर आपको कुंभी पाक जैसे नरक में छोड़ दे। अब यह तुम्हारे कुंभी पाक ने समझवा, कुंभी पाक ये आपको गरुड़ पुराण में, आपको और श्रीमद भागवत के एक तो पंचम स्कंद में और उसके बाद गरुड़ पुराण में आपको ये सब नरक के सारे आपको डिटेल मिलेंगे। मैं खाली उदाहरण दे दूं कि कुंभी पाक जो नरक है वहां पे क्या सजा मिलती है अपन को, आपको बड़ी सी एक कढ़ाई में गरम गरम तेल होगा उसमें, जिसमें आप भजिया पकोड़े बनाओ वैसा गरम गरम तेल होगा, उसमें आपको डाल देंगे, उसमें आपको डाल के अब इतने करोड़ों वर्षों तक आपको अगर कुंभी पाक जैसे नरक में डाल दे जहां पे आपको इस प्रकार से सजा मिले, इस प्रकार का दुख हो, तो केटलो दुख थयो गोपियों ने, केटलो दुख थयो गोपियों को, कितना दुख हुआ आपको ठाकुर जी की सेवा छोड़ने का, इतना दुख होता है। आ दुख नो मापदंड छे। आप रसोई बनाओ, वैष्णव है ना, खास करके विदेश से जब इंडिया आते हैं ना, इंडिया आते तो एक बार डाकोर तो जरूर जाते, खास करके गुजराती वैष्णव डाकोर तो जरूर जाते, क्यों, क्योंकि वहां के गोटा फेमस। तो वहां से आप गोटा लेके आओ डाकोर से और घर पे बनाओ, गोटा बनाते समय अगर जो आपके हाथ में एक छाटा भी अगर जो तेल का बूंद गिरा, तुमने केटलो दुख थाय छे, कितना दुखता है अपन को, जलता है कि नहीं। अब वैसे आपके पूरे शरीर को करोड़ों वर्षों तक अगर किसी नरक में डाल दे और वहां पे बैठ के आपके भजिया कोई तले, कितना दुख होगा अपन को। इतना दुख गोपियों को रास में नहीं पहुंचने का हुआ कि अबे अमाराती ठाकुर जी ने यहां सेवा छुटी, हम रास में नहीं पहुंच पाए, तो आ दुख नो कोई प्रतिकार नहीं। अबे आटलो जो तुम्हारे दुख समझावू होए, ये इतना इस लेवल का दुख अगर आपको समझाना हो
तो इस लेवल का दुख समझाने के लिए आपके पास शब्द नहीं है। श्री महाप्रभु जी कह रहे कि ये व्यसन का लक्षण, अप्रतिकार दुखम व्यसनम। भाई मेरे को ठाकुर जी की सेवा नहीं मिलने का इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ कि मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं बता सकूं कि मेरे को कितना दुख हुआ। आप गज्जन धावन की वार्ता देखो। गज्जन धावन की वार्ता में जब अक्का जी ने गज्जन धावन को पान लेने के लिए भेजा, तो गज्जन धावन की अवस्था नवनीत प्रिया जी के बिना ऐसी हो गई, ऐसी मूर्छा में पड़ गए वो। उनको इतना दुख हुआ ठाकुर जी से दूर होने का कि उनके पास कोई शब्द नहीं थे, वो तो सीधे मूर्छित हो गए। तो ठाकुर जी के लिए इस प्रकार का व्यसन सिद्ध होना, ये आपके भाव की सर्वाधिक अवस्था है, ये सबसे अंतिम अवस्था है, इससे ऊंचा आपका भाव नहीं जा सकता। आपका भाव अगर आपको दृढ़ करना है तो कहां तक आपको दृढ़ करना है कि जब तक आपको ठाकुर जी के लिए व्यसन नहीं हो जाए। गज्जन धावन की आप पूरी वार्ता पढ़ना, आपको समझ आ जाएगा कि अपन को किस प्रकार का अपन को ठाकुर जी के लिए व्यसन होना चाहिए। चार दिन जब आप ठाकुर जी की सेवा नहीं करते हो तब आप गज्जन धावन के जैसे मूर्छित हो जाते हो। आप आराम से, भाई भले बरसों से ठाकुर जी अपने यहाँ पे मिश्री आरोग रहे, पर आप तो पूरा छप्पन भोग खाओगे चारों दिन भी। तो जब तक अपने अंदर गज्जन धावन जैसी अवस्था उत्पन्न नहीं हो तब तक अपना भाव व्यसन तक नहीं पहुंच सकता। व्यसन में पहुंचने का लक्षण ही यही है कि अपन को ठाकुर जी के बिना अपने जीवन में अप्रतिकार दुखम। कोई ड्रग एडिक्ट हो, कोई शराबी हो, तो उनको आप जाके देखना, जब तक उसको ड्रग्स नहीं मिले तब तक उसको अप्रतिकार दुख होगा। ड्रग्स के बिना उसकी हालत ऐसी हो जाएगी कि वो अपना दुख प्रकट नहीं कर सकता। ठाकुर जी के बिना आपकी हालत ऐसी हो जाती, तब समझो कि आपका भाव व्यसन तक पहुंचा। अभी आप व्यसन अवस्था में पहुंचे, और जब आप ऐसी व्यसन अवस्था में पहुंच जाते हो, ऐसी व्यसन अवस्था में आप जब आप प्रवेश कर जाते हो, तब श्री गोसाई जी लिखते हैं कि श्रृंगार कल्पत ध्रुवम। जब आपके अंदर इस प्रकार का व्यसन उत्पन्न हो जाता है ठाकुर जी के लिए, तब ठाकुर जी सकल लीलाओं सहित आपके मन में विराजमान हो जाते हैं। ठाकुर जी श्रृंगार रस के कल्पद्रुम है। श्रृंगार रस यानी ठाकुर जी सकल लीलाओं सहित आपके मन में विराजमान हो जाए, वो श्रृंगार रस, सरल शब्दों में। बाकी अगर अपन भाव भावना लेके बैठे तो उसकी बहुत विशेष अलग भावना है, अभी अपन ज्यादा डिटेल में भी नहीं जाएंगे। तो श्री गुसाइन जी आज्ञा करते हैं कि भगवान श्रृंगार रस के कल्पद्रुम है, और कल्पद्रुम यानी एक ऐसा पेड़ जिसके नीचे बैठकर आप जो मांगोगे ना वो आपको मिलेगा, जो मांगो सो आपको मिलेगा। तो ऐसे ही जब इस प्रकार से ठाकुर जी आपके हृदय में, आपके सकल लीलाओं सहित जब ठाकुर जी आपके मन में विराजमान हो जाते हैं, तब ठाकुर जी आपको सकल लीलाओं का अनुभव कराते हैं। इसी अवस्था को अपने यहाँ पे पुष्टि मार्ग में मानसी सा परामता, इसी अवस्था को अपने यहाँ दूसरे शब्दों में मानसी सेवा कहते हैं, कि जब ठाकुर जी सकल लीलाओं सहित अपने मन में विराजमान हो जाए, ये मानसी अवस्था है। और इसी बात को श्री महाप्रभु जी, आप रोज इसका शायद पाठ भी करते होगे पर कभी आपने अर्थ पे बहुत ध्यान नहीं दिया। अपने पाठ में आता है कि नमामि हृदय शेषे लीला क्षीराभिषायिनम लक्ष्मी सहस्त्र लीला भी सेव्यमानम कलानिधिम। ये श्रृंगार कल्पद्रुमम। श्री महाप्रभु जी यहाँ किनको नमन कर रहे हैं? उनके हृदय रूपी शेष में विराजते जो ठाकुर जी हैं। कैसे ठाकुर जी हैं? जो लीला रूपी समुद्र में विराजमान है, सकल लीलाओं सहित महाप्रभु जी के हृदय में विराजमान है, जो हजारों लक्ष्मियों से सेवित है। आप अगर जो वैकुंठ गए ना तो वहां पे खाली एक ही लक्ष्मी, लेकिन अगर जो ठाकुर जी वैकुंठ छोड़ के आपके हृदय में विराजमान हो जाए ना, तो ठाकुर जी सकल लीलाओं सहित हजारों लक्ष्मियों सहित आपके हृदय में विराजमान हो जाएंगे।
और जब आप जिस लीला के, जिस आप श्रृंगार के, आप ठाकुर जी के दर्शन करना चाहो, ठाकुर जी आपको उस लीला के दर्शन अवश्य कराएंगे। ठाकुर जी श्रृंगार रस के कल्पद्रुम है। खुद ही को करके बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बोल तेरी रजा क्या। जब आपके अंदर इस प्रकार का भाव दृढ़ हो जाए, जब ठाकुर जी आपके अंतकरण में आके विराजमान हो जाए, तो रोज जब आप ठाकुर जी की सेवा करने जाओगे ना, ठाकुर जी को जगाओगे, तो जगाते से ठाकुर जी आपको ये शायरी सुनाएंगे कि बोल तेरी रजा क्या है। बोल भाई आजे तारी सु इच्छा छे, आजे हूँ केवा वस्त्र धारण करूँ, आजे हूँ क्या श्रृंगार धारण करूँ, बोल आजे कई सामग्री अरोगावानी तारी इच्छा छे, कौन सा वस्त्र धारण करूं मैं, कौन सा श्रृंगार धारण करूं, आज तेरी जो इच्छा हो वो सामग्री तू मेरे को धर, मेरी इच्छा से मेरे को सामग्री मत धर, तेरे को जो खाने की इच्छा हो वो सामग्री तू मेरे को धर। श्रृंगार कल्पद्रुमम, ये श्रृंगार रस है। अपने को सूरदास जी के चरित्र में यह प्रसंग मिलता है कि एक बार सूरदास जी से ठाकुर जी और स्वामी जी दोनों ने जाके सूरदास जी से बोला कि सूरदास जी अब तक तो हमने जैसी जैसी लीलाएं करी हैं वैसे वैसे आपने कीर्तन करें, वैसे वैसे आपने पदों की रचना करी है, अब आपको जैसे पद की रचना करनी हो ना आप वैसे पद की रचना करो, हम उसके अनुसार हमारी लीला प्रकट करें। ये श्रृंगार रस है, ये आपके भाव का फल है। तो इस प्रकार से लोक और वेद से विपरीत पुष्टि मार्ग में ठाकुर जी के प्रति आपका भाव ही साधन है, और उस भाव की वृद्धि जो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मानसी तक पहुंच जाए, उस भाव की वृद्धि वो मानसी ही आपका फल है। तो लोक और वेद में तो हर जगह आपको साधन और फल अलग अलग मिलेंगे, लेकिन पुष्टि मार्ग में ठाकुर जी के प्रति आपका भाव ही साधन है और उस भाव की वृद्धि ही आपका फल है। ये शुद्ध पुष्टि मार्ग का लक्षण है। और मुझे लगता है कि मेरा समय यहाँ पे लगभग पूरा होता है। अंत में मैं एक बार फिर से स्मिता बेन को और उनका साथ सहयोग देने वाले सभी वैष्णवों को जो इस प्रकार के आयोजन में शामिल है उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ कि भाई पिछले 16-17 महीने से, एक डेढ़ साल से किसी ना किसी माध्यम से आप लोग कोई ना कोई प्रकार का आयोजन कंटिन्यूसली कर ही रहे हो, इसलिए आप सब धन्य हो। और आप सबके साथ साथ जूम, फेसबुक, यूट्यूब से अटेंड करने वाले जितने जो दूसरे वैष्णव हैं, मैं आप सबको भी खूब खूब धन्यवाद देना चाहता हूँ कि भाई आप सबके कारण भी मुझे एक बार फिर से इस ग्रंथ के दर्शन करने का मौका मिला। मैं तो हमेशा मेरे प्रवचनों में बोलता ही हूँ कि भाई मैं यहाँ पे प्रवचन करने नहीं आता हूँ, मैं यहाँ पे, मैं कहीं पे भी मैं प्रवचन नहीं करता हूँ, भाई अपन तो सब साथ में मिलके सत्संग करते हैं, मैं तो यहाँ पे सत्संग करने आता हूँ, इसलिए आपको मेरी शैली दूसरे बालकों से थोड़ी अलग लगेगी। मेरी प्रवचन की शैली नहीं है क्योंकि मैं कभी भी प्रवचन नहीं करता, मेरे को प्रवचन करना पसंद नहीं है, मेरे को तो वैष्णव के साथ मिलकर सत्संग करना पसंद है। तो जैसे आप सब महाप्रभु जी के शिष्य हो वैसे मैं भी महाप्रभु जी का ही शिष्य हूँ। बहुत आनंद आया जैसे सत्संग में, बहुत आनंद आया। तो बाकी विशेष कुछ और नहीं कहते हुए मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि भाई श्री महाप्रभु जी के माध्यम से इसी प्रकार से अपन एक दूसरे से मिलते रहे, उनकी वाणी एक दूसरे को सुनते और सुनाते रहे, आगे भी अपन सत्संग करते रहे। इसी शुभेच्छा के साथ जो कुछ भी मैंने बोला उसको श्री महाप्रभु जी के युगल चरणारविंद में समर्पित करते हुए मैं अपने वक्तव्य से यहीं पे विराम दे रहा हूँ। किसी को अगर कोई डाउट हो तो आप लोग जरूर पूछे, विषय संबंधित डाउट रखो, अने नहीं तो पछी आपड़े आगळ मळीए। ना बहुत सुंदर रीते समझायो, क्वेश्चन नो पूछो, बहुत आनंद आयो जेजे, अने फरी पण आवी रीतना बिराजो जेजे, खूब खूब कृपा अमारी पर करी आप बिराज, अने तो બહુ હાર્ડ હતું આપ શ્રી બિરાજવા માટે, પણ બહુ આનંદ થયો જે
धन्यवाद प्रणाम। हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमिटी स्मिता बेन ने તમારી જે ઓર્ગેનાઇઝિંગ કમિટી છે તમને મારે વિશેષ ધન્યવાદ પણ આપવાનું છે કે તમે મારા કારણે મારી અમુક અડચણોના કારણે તમે થોડું ડેટ નો પણ ફેરફાર કર્યો। આમ તો થર્સડે સુધી થાય છે પણ મારા માટે તમે ફ્રાઈડે સુધી લઈ ગયા એટલે એના માટે પણ ખૂબ ખૂબ આભાર। આપે કહ્યું સામેથી તો પછી મારે ચેન્જ કરવું પડે ને જયશ્રી આપ તો વલ્લભની કૃપા વલ્લભ ને શરણે જઈને લે લો આનંદમાં હું તો થઈ છે ઘણી ગાડી ગાડી રે વલ્લભ જય જય ધન્યવાદ પ્રણામ જય જય વૈષ્ણવ એક બે નું ક્વેશ્ચન છે સાંભળો એ બોલે છે બધા ક્વાઇટ રૂમ બધા એક મિનિટ શાંત રહેજો કોઈને કઈ પ્રશ્ન છે એમને પૂછવા દો બધા શાંત હર્ષી બેન હતા હા બોલો મને એક પ્રશ્ન તો આપે દંડવત પ્રણામ તેજસ્વી આપે જયશ્રી મારો પ્રશ્ન હતો કે આપે કીધું કે સ્નેહ અને પ્રેમ માં ડિફરન્ટ છે બંને તો સ્નેહ કોને કહેવાય હું એવું સમજુ છું કે બાલ્ય ભાવ હોય ઠાકોરજીમાં તો સ્નેહ કહેવાય અને માધુર્ય ભાવ હોય તો પ્રેમ કહેવાય પણ સમજાતું નથી ક્લિયર માં એટલે આપ જાક ચોખવટ કરશો જો આપણે પ્રેમ માં ને સ્નેહ ની સ્નેહ બંને ની આપણે વ્યાખ્યા જોઈ ગયા કે પ્રેમ એટલે શું કે કોઈ પણ જાતનો કારણ વગર તમને જયારે ઠાકોરજી ગમતા હોય તે તમારો પ્રેમ બરાબર હવે તમને પ્રેમ છે તો એટલે એનો અર્થ એ નથી કે તમને સ્નેહ પણ છે તમને ઠાકોરજી તો ગમે છે ઠાકોરજી નથી ગમતા એવું નથી એટલે અમે પ્રસાદ નો દાખલો આપેલો બરાબર ભાઈ ઠાકોરજી નો પ્રસાદ છે કરીને તમે લેશો પણ કેટલું લેશો ભાવતી વસ્તુ હશે તો તમે વધારે લેશો ને નહીં ભાવતી વસ્તુ હશે તો તમે કદાચ જરા ઓછી લેશો એટલે સ્નેહ એટલે જયારે તમને ઠાકોરજી સંબંધિત દર એક વસ્તુ ગમતી થઈ જાય અત્યારે તો તમને ખાલી ઠાકોરજી ગમે પ્રેમમાં તો ભાઈ મને ઠાકોરજી બહુ ગમે પણ હજી ઠાકોરજી સંબંધિત બધી જ વસ્તુ હજી નથી ગમી હજી એ અવસ્થામાં તમે નથી પડી તો પેલા તમને ઠાકોરજી ગમવા જોઈએ અને હવે ઠાકોરજી સંબંધિત બધી જ વસ્તુઓ ગમવી જોઈએ તો જયારે તમને ઠાકોરજી સંબંધિત એક વસ્તુ ગમતી થઈ જાય આંતર હોય બાહ્ય હોય સેવા સંબંધિત હોય સંદાર સંબંધિત હોય સામગ્રી સંબંધિત હોય દર એક વસ્તુ બરાબર જેનો સંબંધ ઠાકોરજી સાથે છે એ જો તમને ગમતી થઈ જાય તો એ તમારો સ્નેહ કહેવાશે પછી તમે પ્રેમ કરતા બે સ્ટેપ ઉપર ચડી ગયા આગળ વધી ગયા હવે ઠાકોરજી તો ગમે છે ઠાકોરજી સાથે સાથે આજુબાજુની વસ્તુઓ પણ મને ગમે ખાલી તમને જો તમારો પતિ ગમે એ પતિમાં તમારો પ્રેમ તમને હજી સસુરાલ વાળા ગમતા નથી જયારે સસુરાલ વાળા પણ ગમતા થઈ જાય ત્યારે એ સ્નેહ હજી તમને તમારો સાસરો નથી ગમતો ખાલી પતિ જ ગમે છે આપે જે દાખલો આપ્યો ને શીખવાની જેમ ઘરે ઉતરી ગયું પ્રેક્ટિકલ દાખલો છે જય જય ધન્યવાદ પ્રણામ
જય જય આપણા ચરણો માં દંડવત પ્રણામ. શ્રી વલ્લભાનંદ પ્રણામ. જય જય દંડવત પ્રણામ. દંડવત પ્રણામ. જય જય દંડવત પ્રણામ. જય દંડવત પ્રણામ. જય જય આજે રિવિઝન થઈ ગયું. જય જય આજે રિવિઝન. ફૂલભાઈ દંડવત પ્રણામ. કેમ છો વિપુલભાઈ? બસ 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 આપના આશીર્વાદ. જય જય. બસ બહુ દુર્લભ થઈ ગયું ભાઈ. અરે વાહ વાહ ખુબ આનંદ આવશે. આવજો આવજો. આવવાના છો ને? હા હું આવવાનો છું. જેજે જરૂર જરૂર મળીએ આપડે પછી વ્રજમાં મળીએ આપડે. બિલકુલ બિલકુલ બિલકુલ. અને જેજે આપણે પછી આપણા ગ્રુપમાં સત્સંગ ક્યારથી શરૂ કરવો છે? હવે ચાલુ કરશું વિપુલભાઈ, કારણ કે ઉત્સવ ના દિવસો છે ને, લગાતાર ઉત્સવ ના દિવસો છે. હવે 10-11 દિવસ માં તો દિવાળી આવી જશે. દિવાળી છે, અન્નકૂટ છે, ને પછી વ્રજ માં જવાનું છે. વ્રજ થી આવીને ઘણું બધું છે એટલે પછી મેં ચાલુ નથી કર્યું. ના ના ના, વ્રજ થી આવીને પછી તો પછી ગ્રુપ માં હિસાબે ઇન્ફોર્મેશન આપી દો. એકવાર આપણને એક બ્લોક મળે ને કન્ટિન્યુ 2-3 મહિના નો, કે જેથી વચ્ચે કોઈ ગેપ નહીં પડે, ત્યારે ચોક્કસ હું એ સન્ડે સન્ડે નું પણ ચાલુ કરીશ. બિલકુલ બિલકુલ. આશીર્વાદ અક્ષાબેન. ખુબ આનંદ થયો તમને બધાને જોઈને. બા પણ કે છે દંડવત. હા જય જય. લોકો ઇન્ડિયા રહે છે? ઇન્ડિયા રહે છે. આ લોકો ઇન્ડિયા રહે છે. ઇન્ડિયા થી. સો નાઇસ. ચલો જે ચાલો મળીએ પછી. હા દંડવત પ્રણામ. ઘણા વૈષ્ણવના પૂર મે ખુલે એટલે બધા આપડે 3-2 મહિના વ્રજમાં બધા વલ્લભ ને એક પછી બોલાય છે. મનોરથ બધા કરીશું. જરૂર જરૂર. હા એવો અમારો મનોરથ છે કે અમે બધા આવીએ ત્યાં બોર્ડર્સ ખુલવાના છે તો ચોક્કસ આવજો. જરૂર થી આવજો. ખુબ આનંદ થશે. અને આવો તો જણાવજો પછી. ચોક્કસ. આપની વલ્લભ ની કૃપા થઈ જાય બસ. સર્વ વૈષ્ણવ જય શ્રી કૃષ્ણ. ના ના એક મિનિટ ઉભા રહો, હું બધાને બતાવી દઉં. વૈષ્ણવ આપણે મંડે નું બતાવી દઉં તમને બધાને. સોમ મંગળ બુધ આપણે હિલક બાવા બિરાજમાન છે. પરમ પૂજ્ય 108 હિલક બાવા બોમ્બે મોટા મંદિર. ગોર્ધન ગોર્ધન દાસ ને સરસ લીલા એ આપણે 3 દિવસ નો. અને પછી ગુરુવારે આપણે ને મનોજ બાવા નામરત્ન સેમ જ છે, પણ નીચે મનોજ બાવા નું નામ લખ્યું છે. જલ્દી સ્ક્રીનશોટ પાડે ને. ઓકે હું મૂકી રાખું બંને. એક મિનિટ સ્ક્રીનશોટ પાડે છે. મને હું મોકલી આપીશ. તમને નંબર આપજો વૈષ્ણવ. સાઈડમાં બટન હોય ને બે સાથે દબાવવાના એટલે પડી જાય. ને તો મને કેજો હું મોકલી આપીશ. તમારો નંબર મને મોકલી આપજો વૈષ્ણવ. મીતાબેન વ્રજમાં મને શું કહ્યું?
સંભળાવ્યું નહી મને. બ્રજમાં મળીશું એમ કે છે. આઈ હોપ સો. ક્યારે? હું તો રાહ જોઉં છું. મીતાબેન અમે તમારી પાછળ ક્યાં ના રાહ જોઈએ. આઈ નો કેટલા બધા જન્મ તો આજે પૂર્ણ હતા. મીતાબેન આપણે વ્રજમાં ક્યારે જઈશું? મે કુ આખો તમે પ્રોમિસ કર્યું છે કે 23 માં જવાનું. જઈશું જઈશું. આજે ને ફરી મેં મૂક્યું, કોઈને કોપી કર્યું. અને તો તમારા ફ્લાયર જોતો, મને નંબર મોકલજો વોટ્સઅપ પર, તો હું તમને બધા ફ્લાયર મોકલી આપીશ. તમે ગ્રુપમાં તો મૂકશો ને? ગ્રુપમાં તો મૂક્યું ને મેં, આપણે જય શ્રી કૃષ્ણ. હા તો પછી બધાને મળશે. બધાને મૂક્યું છે ગ્રુપમાં, મૂક્યું છે. ના પણ તમારા ના હોય આપણા ગ્રુપમાં જેને, હા તો એને મળે જુદું. હા એના માટે અને જેને ગ્રુપમાં એવરીડે નું વચનામાં સાંભળવું હોય ને આવું હોય તો મારા ગ્રુપમાં મને નંબર મોકલજો, તો હું તમને જોઈન કરી દઈશ ગ્રુપ ની અંદર. તો એવરીડે નું તમને ફ્લાયર પણ મળી જશે અને વચનામત નું મળી જશે. હવે જય શ્રી કૃષ્ણ કેજો મીતાબેન. હા બોલો. તૈયારી બ્રજમાં જાવ તો તૈયારી કરવાનું કેજો અમને. અરે હું એ ઝૂમ ખોલીને જ બધાને કહેવાનું, આપણે જઈએ ઝૂમમાં અને પછી ત્યાં આપણે કૃષ્ણ પરિક્રમા ઉપડે છે એમાં ચાલો બધા. પણ તમે ઇન્ડિયા થી મને મને કરી ઇન્ડિયા થી કરી શકો? હું નંબર બોલી દઉં એક બાજુ. 909 525 8311 8311. પણ આ જે ઇન્ડિયા વાળા છે ને એ મને ટેક્સ્ટ કર દો ને વોટ્સઅપ પર, તો હું એમને જોઈન કરું. અમે પણ ઇન્ડિયા થી છીએ નીતાબેન. હા એટલે તમે મને ઇન્ડિયા થી વોટ્સઅપ માં મારો નંબર કરી દો એટલે હું વોટ્સઅપ પર છું. હા ચોક્કસ. તમે મને મોકલી દેજો મારો નંબર ફરી રિપીટ કરું તમને લાગે તો. બરોબર.